and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Tool Guru. Let's compete. Today, I will discuss Deputation and Foreign Service Part 2. In this part, I will discuss Fundamental Rules 115 to 127 related to the Deputation and Foreign Service. In first part, already I had discussed 109 fundamental rule 109 to 114 related to the deputation and foreign service. It is part 2. In this part also I will discuss 10 MCQs, latest pattern MCQs. Those type of questions are coming in the examination, latest pattern of 10 MCQs. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. So I do not want to waste more time. Now I am going to discuss Deputation and Foreign Service Part 2. First, you see, in this case, my WhatsApp number 8327782034. If you need PDF, contact with my WhatsApp number. Also, you join my Telegram channel. Link is t.me/BAPI2034. Right? So now, you see the fundamental rule 115. Pension and leave salary contribution during foreign service. It is very important one. So, fundamental rule 115, just you remember, pension and leave salary contribution. While a government servant is in foreign service, contribution towards the cost of his pension must be paid to general revenues on his behalf. So, in this case, you remember, jab government servant foreign service mein hota hai, तो उसका जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है, जिसको हम पीसी बोलते हैं, पेंशन कंट्रीब्यूशन, वो जनरल रेवेन्यू को जाएगा. ठीक है, फर्स्ट वन जस्ट टू रिमेंबर, जो भी पेंशन कंट्रीब्यूशन होगा वो जनरल रेवेन्यू को जाएगा. इफ द फॉरेन सर्विस इज इन इंडिया, यदि वो जो फॉरेन सर्विस है इंडिया में है, लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन भी होगा. ठीक है, दो प्रकार का कंट्रीब्यूशन होता है, तो आगे में भी पूरा डिस्कस करूंगा. तो अभी आप याद रखिए, दो कंट्रीब्यूशन, जो पेंशन कंट्रीब्यूशन, जो पेंशन कंट्रीब्यूशन होगा वो जनरल रेवेन्यूज को जाएगा, और सेकेंड वन लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन होता है, उसके ऊपर आगे में हम डिस्कस करेंगे. तो ये जो दो कंट्रीब्यूशन है, कंडीशन ही है, पेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट हिमसेल्फ अनलेस द फॉरेन एम्प्लॉयर कंसेंट्स टू पे देम. यदि इसमें क्या है, जो दो कंट्रीब्यूशन है, एक है पेंशन कंट्रीब्यूशन और एक है लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन, पीसीएलएससी. कभी क्या है, फॉरेन एम्प्लॉयर सपोज कंसेंट नहीं करता है कि मैं ये कंट्रीब्यूशंस नहीं दूंगा, तो ये दोनों कंट्रीब्यूशंस एक्चुअली बियर बाय द कंसर्न एम्प्लॉय. ठीक है, तो वही दिया है. तो गवर्नमेंट सर्वेंट हिमसेल्फ, यदि जो बोरोइंग अथॉरिटी है, बोरोइंग अथॉरिटी मीन्स वो फॉरेन एम्प्लॉयर है, यदि वो कंसेंट नहीं देता है कि ये दोनों कंट्रीब्यूशंस को वो मींस पे करेगा, उसका कंसेंट नहीं देता है, तो इस केस में द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई विल कंट्रीब्यूट बोथ पेंशन कंट्रीब्यूशन एंड लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन. ठीक है, तो आगे में ये जो फंडामेंटल रूल 115 है रिलेटेड, तो आगे में बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे, तो इसके ऊपर पूरा मैं डिस्कस करूंगा, पेंशन कंट्रीब्यूशन और लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन. ठीक है, तो ये फंडामेंटल रूल 115 था. देन बाय स्पेशल अरेंजमेंट मेड अंडर रूल 123B, आप देखेंगे फंडामेंटल रूल 123, उसका जो सेकेंड सबसेक्शन है, कंट्रीब्यूशंस ऑन अकाउंट ऑफ लीव सैलरी मे बी रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ फॉरेन सर्विस आउट ऑफ इंडिया. फॉरेन सर्विस आउट ऑफ इंडिया, यदि कोई ऐसे कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट वो फॉरेन सर्विस में अब्रोड को चला जाता है, तो इस केस में भी कोई स्पेशल अरेंजमेंट पे लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन होता है, और द कंट्रीब्यूशन पेड बाय द फॉरेन एम्प्लॉयर. और वहां पर जो लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन पेड करता है फॉरेन एम्प्लॉयर, मगर ये स्पेशल केस में, ये स्पेशल केस में, इसके ऊपर भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे. तो स्पेशल केस में यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट एक्चुअली गोज टू अब्रोड इन फॉरेन सर्विस, एंड इन स्पेशल केस ऑल्सो लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन पेड बाय द फॉरेन एम्प्लॉयर. राइट, तो यहां पर नोट में हम देखेंगे,
पेंशन एंड लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन आर पेएबल इन होल रुपीज में, वो पेंशन एंड लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन बोथ पे होता है, एंड फ्रैक्शन जब आता है तो 50 पाइस और मोर शैल बी राउंडेड अप टू द नेक्स्ट रूपी। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन है। नेक्स्ट वन, द कंट्रीब्यूशन फॉर लीव सैलरी एंड पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन फॉरिन सर्विस मे बी पेड एनुअली within 15 days from the end of financial year। ये बहुत important है। तो ये annually pay किया जाएगा, जैसे हम दोनों को देखेंगे pension contribution and leave salary contribution, उसको annually pay किया जा सकता है, मगर annually कब किया जाएगा ना, within 15 days from the end of the financial year। So financial year end होता है March 31st में, so it means within April 15। आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो यदि उसको एनुअली पे किया जाएगा देन डेफिनेटली इट मस्ट बी विद इन 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो इट मींस विद इन अप्रैल 15। ठीक है, पे किया जाएगा, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है विद इन 15 डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, इफ द डेपुटेशन ऑन फॉरेन सर्विस एक्सपायर्स, अच्छा यहां पर और एक ऑप्शन है, यदि जो डेपुटेशन ऑफ फॉरेन सर्विस वो एक्सपायर हो जाता है बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ओके, जो फाइनेंशियल ईयर एंड नहीं हुआ है तो जस्ट बिफोर दैट एक्चुअली डेपुटेशन ऑन फॉरेन सर्विस एक्सपायर्स, तो इस केस में कैसे पे किया जाएगा, क्योंकि नॉर्मली हम तो देख लिया ना, बेसिकली विद इन 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बोथ द कंट्रीब्यूशन लाइक लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन, ओके, मस्ट बी पेड इफ इट इज पेड एनुअली। मगर यदि डेपुटेशन खत्म हो जाता है बिफोर फाइनेंशियल ईयर, तो बिफोर फाइनेंशियल ईयर उसको पे कर दिया जाएगा। यदि बिफोर फाइनेंशियल ईयर इफ डेपुटेशन ऑन फॉरेन सर्विस एक्सपायर्स, यदि फॉरेन सर्विस एक्सपायर हो जाता है बिफोर फाइनेंशियल ईयर, इसको विद इन फाइनेंशियल ईयर पे कर दिया जाएगा लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन और पेंशन कंट्रीब्यूशन को, अदरवाइज इंटरेस्ट लगेगा 2%। यहां पर दे दिया, तो इंटरेस्ट विल बी पेड एट द रेट ऑफ 2 पाइस पर डे पर 100 रुपीज, कब से ना, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द अबोव पीरियड अप टू द डेट ऑन विच द कंट्रीब्यूशन इज फाइनली पेड। ठीक है, तो जिस डेट में आपका खत्म हो जाएगा बिफोर फाइनेंशियल ईयर, जब जिस डेट में डेपुटेशन ऑन फॉरेन सर्विस सीज हो जाएगा, उसी डेट से आप काउंट कर लो, उसी डेट से 2% इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है, जितना एलएससी लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन था कि पेंशन कंट्रीब्यूशन था, पेमेंट नहीं हुआ है तो उसके ऊपर 2% लगेगा जब तक वो इपिन्स पेमेंट ना किया जाए। वही दे दिया, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द अबो पीरियड अप टू द डेट ऑन विच द कंट्रीब्यूशन इज फाइनली पेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि एलएससी लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन को एनुअली पे किया जाएगा तब वो विद इन 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, इट मीन्स विद इन अप्रैल 15 पेमेंट करना है, और इफ द इट मीन्स डेपुटेशन ऑन फॉरेन सर्विस एक्सपायर्स बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर देन इट मस्ट बी पेड विद इन द फाइनेंशियल ईयर, अदरवाइज जिस डेट में एक्सपायर हो जाएगा फॉरेन सर्विस उसी डेट से 2% इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, और यहां पर द गवर्नमेंट सर्वेंट और द फॉरेन एम्प्लॉयर विल पे द इंटरेस्ट, यहां पर जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा, यदि वो गवर्नमेंट सर्वेंट पे करता था, क्योंकि फॉरेन सर्विस में आइदर गवर्नमेंट सर्वेंट और फॉरेन एम्प्लॉयर विल पे द लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन, तो ये जो इंटरेस्ट है वही दोनों के ऊपर, यदि गवर्नमेंट सर्वेंट पे कर रहा था तो वो इंटरेस्ट देगा, यदि फॉरेन एम्प्लॉयर पे करता था तो वो इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट रेट को चलेंगे, फंडामेंटल रूल 116, रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर पेंशन कंट्रीब्यूशन एंड लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन, रेट क्या है, तो यहां पर द रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन पेबल ऑन अकाउंट ऑफ पेंशन एंड लीव सैलरी शैल बी सच एज द प्रेसिडेंट मे बाय जनरल ऑर्डर प्रिस्क्राइब, तो ये जो रेट फिक्स हुआ है द रेट ऑफ बेसिकली पेंशन कंट्रीब्यूशन एंड लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन, एक्चुअली इट इज फिक्स्ड बाय द जनरल ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। नोट है, यहां पर आपको याद रखना है कि जो लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन है, जो एलएसी है वो 11% है, एलएसी जो है 11% है
ऑफ पेड्रॉन, यहां पर दे दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एलएसी है लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन के ऊपर, देखिए लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन 11% ऑफ पे ड्रॉन इन फॉरेन सर्विस, जो आपका बेसिक पे आप ड्रॉ कर रहे हो फॉरेन सर्विस में, जो आपका बेसिक पे ड्रॉ कर रहे हो फॉरेन सर्विस में, उसी के ऊपर 11% रहेगा लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन, लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन, ठीक है, समझ में आ गया। तो बेसिकली 11% ऑफ पे ड्रॉन इन फॉरेन सर्विस, फॉरेन सर्विस में जो भी आप बेसिक पे ड्रॉ कर रहे हो उसके ऊपर 11% लगेगा। सो फॉरेन सर्विस में इट कैन बी पेड बाय आइदर कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय और फॉरेन एम्प्लॉयर, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, पेंशन कंट्रीब्यूशन, आपको याद रखना है जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है वो भी बेसिक पे के ऊपर लगेगा, वो भी बेसिक पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किस ना जो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट का बेसिक पे के ऊपर लगेगा, जो आपका पेरेंट, जब आप प्रोसीड कर रहे हो फॉरेन सर्विस को, व्हेन यू प्रोसीड टू फॉरेन सर्विस एट दैट टाइम एक्चुअली व्हाट वाज योर बेसिक पे इन पेरेंट डिपार्टमेंट, उसी के ऊपर, तो पेरेंट डिपार्टमेंट की बेसिक पे के ऊपर लगेगा। यदि आपको प्रोफॉर्मा प्रमोशन, इसमें और एक चीज मैं बता देता हूं, तो ये आप देखिए 9 सबसेक्शन 21 सबसेक्शन ए और सबसेक्शन आई, तो इसमें क्लियरली दिया है फंडामेंटल रूल में, आपका जो बेसिक पे है जब आप फॉरेन सर्विस के लिए प्रोसीड कर रहे हो, आपका पेरेंट डिपार्टमेंट से आप अभी प्रोसीड कर रहे हो, आपका जो बेसिक पे है उसी के ऊपर लगेगा, ओके, पेंशन कंट्रीब्यूशन उसके ऊपर होगा, आपको याद रखना है। यदि प्रोफॉर्मा प्रमोशन क्या है, ये एक नॉर्मल प्रमोशन, सपोज आप अभी फॉरेन सर्विस में हो, नाउ यू आर वर्किंग इन फॉरेन सर्विस, बट एज यूजुअल आपका पेरेंट डिपार्टमेंट में आपका प्रमोशन हुआ, वही है प्रोफॉर्मा प्रमोशन। तो अभी आप फॉरेन सर्विस में हो मगर एज यूजुअल आपका नोशनल प्रमोशन हुआ, जिसको बोलते हैं प्रोफॉर्मा प्रमोशन, एज यूजुअल नेचुरली जैसे आपका पेरेंट डिपार्टमेंट में प्रमोशन होता है वैसा ही प्रमोशन होगा, ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं। अभी आप फॉरेन सर्विस में हो, वहां पर आपका पेरेंट डिपार्टमेंट में आपका जूनियर को प्रमोट कर दिया जाएगा, क्योंकि आप नहीं हो अभी पेरेंट डिपार्टमेंट में, आप अभी आकर फॉरेन सर्विस में काम कर रहे हो, ठीक है, मगर अब वहां पर पेरेंट डिपार्टमेंट में आपका जूनियर को प्रमोट कर दिया जाएगा क्योंकि आप नहीं हो, मगर फिर भी आप अभी फॉरेन सर्विस में हो, एज यूजुअल आपका प्रमोशन होगा, ठीक है। तो प्रमोशन होने से क्या है, आपका बेसिक पे हाइक होगा, जो भी बेसिक पे होगा उसी के हिसाब से फिर आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन डिडक्ट होगा। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि व्हेन यू प्रोसीड फॉर फॉरेन सर्विस एट दैट टाइम व्हाट वाज योर बेसिक पे, उसके ऊपर आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन रहेगा। और यदि मैं बार बार बताया प्रोफॉर्मा प्रमोशन एज यूजुअल नेचुरल प्रमोशन जैसे होता है वैसा ही होगा, आप अभी फॉरेन सर्विस में हो, आपका पेरेंट डिपार्टमेंट में आपका प्रमोशन हो गया, उसमें आपका बेसिक पे हाइक हो गया, जो बेसिक पे प्रोफॉर्मा प्रमोशन में प्रमोशन होकर जो बेसिक पे हुआ उसी के ऊपर आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन जाएगा, ठीक है, इसको भी आपको थोड़ा ध्यान देना है, राइट। चलो अभी थोड़ा लीव अकाउंट कैसे मेंटेन होता है, कौन लीव अकाउंट मेंटेन करता है उसके ऊपर देखेंगे। मेंटेनेंस ऑफ लीव अकाउंट, ग्रांट ऑफ लीव एंड लीव सैलरी पेमेंट एटसेट्रा वाइल ऑन फॉरेन सर्विस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन, जो प्रोफॉर्मा होता है लीव अकाउंट का, तो ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट हैज टू बी मेंटेन बाय द फॉरेन एम्प्लॉयर, आपका जो लीव अकाउंट है उसको मेंटेन करेगा फॉरेन एम्प्लॉयर, जो प्रोफॉर्मा ऑफ लीव अकाउंट ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट एक्चुअली मेंटेन बाय द फॉरेन एम्प्लॉयर। तो यहां पर फॉर दिस पर्पोज द हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ द पेरेंट डिपार्टमेंट शैल सप्लाई एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ द लीव अकाउंट टू हिम। तो यहां पर बेसिकली आपका जो पेरेंट डिपार्टमेंट का हेड ऑफ ऑफिस है, वो पेरेंट डिपार्टमेंट का हेड ऑफ ऑफिस वो जो लीव अकाउंट के ऊपर जो एक्सट्रैक्ट है वो फॉरेन एम्प्लॉयर को भेजेगा, ठीक है। तो याद रखिए बेसिकली लीव अकाउंट मेंटेन करता है आपका फॉरेन एम्प्लॉयर, मगर लीव अकाउंट के ऊपर जो एक्सट्रैक्ट होगा वो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट का हेड ऑफ ऑफिस वो जो लीव अकाउंट का एक्सट्रैक्ट को फॉरेन एम्प्लॉयर को भेजेगा। नेक्स्ट वन, द फॉरेन एम्प्लॉयर विल डिटरमाइन द लीव एडमिसिबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, द फॉरेन एम्प्लॉयर विल डिटरमाइन द लीव एडमिसिबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड सैंक्शन इट अंडर इंटीमेशन टू द हेड ऑफ ऑफिस। तो आप लीव के ऊपर मैं थोड़ा बता देता हूं, जब आप फॉरेन सर्विस में हो
तो आपको जो भी लीव, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव मिलेगा, जो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट में जो लीव मिलता था आपको, एडमिसिबल था, वही लीव मिलेगा। इसके ऊपर थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं। आप अभी फॉरेन सर्विस में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको किस तरीके का लीव, चाहे आपका पेरेंट डिपार्टमेंट में जिस तरीके का लीव आपको मिलता था, व्हाट टाइप ऑफ लीव सर एडमिसिबल टू यू बेसिकली इन योर पेरेंट डिपार्टमेंट, सेम टाइप ऑफ लीव यहां पर आप ले सकते हो, ठीक है। मगर जब आप यहां पर, और एक चीज बताता हूं, सपोज आप वैकेशन डिपार्टमेंट में थे, अभी नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट को चले गए, इस केस में जो लीव रूल्स होगा बोरोइंग डिपार्टमेंट का होगा, और बेसिकली उसको वाइस वर्सा रिवर्स कर दो। सपोज आप नॉन नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट में थे, अभी आप वैकेशनल डिपार्टमेंट को चले गए, ठीक है, तो इस केस में जो लीव रूल्स होगा वो बेसिकली किसका होगा ना, बोरोइंग डिपार्टमेंट का होगा। समझ में आ गया? तो वैकेशनल डिपार्टमेंट में आप थे, आप अभी नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट को चले गए, तो इस केस में बोरोइंग डिपार्टमेंट का लीव रूल्स होगा, क्योंकि वैकेशनल डिपार्टमेंट आपका पेरेंट डिपार्टमेंट, नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट हो गया बोरोइंग डिपार्टमेंट, तो अभी इसमें क्या होगा ना, बोरोइंग डिपार्टमेंट का लीव रूल्स आप अवेल करेंगे, जो रूल्स है लीव रूल्स है। तो बेसिकली जैसे आपका पेरेंट डिपार्टमेंट सपोज नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट था, आप अभी फॉरेन सर्विस में वैकेशनल डिपार्टमेंट को चले गए, तो यहां पर आपका जो लीव रूल्स लागू होगा वो बोरोइंग डिपार्टमेंट का लीव रूल्स के हिसाब से लागू होगा। मगर जनरली क्या होता है, ये तो वैकेशनल नॉन वैकेशनल ऐसे में कर दिया, मगर जब आप जैसे आप पेरेंट, अभी आप नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट, इसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, आपका पेरेंट डिपार्टमेंट नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट था, आपका फॉरेन सर्विस भी नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट है, तो इस केस में किसका लीव रूल्स लगेगा ना, पेरेंट डिपार्टमेंट का लीव रूल्स लगेगा, जनरली पेरेंट डिपार्टमेंट का लीव रूल्स लगेगा, ठीक है, बोरोइंग डिपार्टमेंट का नहीं। मगर जब चेंज हो जाएगा वैकेशन टू नॉन वैकेशन, की नॉन वैकेशन टू वैकेशन, उस केस में बोरोइंग जो डिपार्टमेंट में उसका लीव रूल्स लगेगा। तो यहां पर क्या है, द फॉरेन एम्प्लॉयर विल डिटरमाइन द लीव एडमिसिबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, मगर ये फॉरेन एम्प्लॉयर यहां पर आपको जो लीव एडमिसिबल है वो एक्चुअली डिटरमाइन करेगा, मगर वो इंटीमेशन देगा आपका हेड ऑफ ऑफिस को, सैंक्शन इट अंडर इंटीमेशन टू द हेड ऑफ ऑफिस एंड द पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर। तो यहां पर जब आपका फॉरेन एम्प्लॉयर जब कंसर्न एम्प्लॉय को लीव देता है, वो इंटीमेट करेगा हेड ऑफ द ऑफिस को एंड पीएओ को, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर। तो ये जो हेड ऑफ ऑफिस, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, पेरेंट डिपार्टमेंट, जो कंसर्न एम्प्लॉय का पेरेंट डिपार्टमेंट है, उसको इंटीमेट करेगा कि इस तरीके का लीव उसको दिया गया, और उसको लीव सैलरी कौन देगा, लीव सैलरी बेसिकली लीव सैलरी बोरोइंग डिपार्टमेंट ही देगा, लीव सैलरी कौन देगा, बोरोइंग डिपार्टमेंट देगा, ठीक है, बोरोइंग डिपार्टमेंट लीव सैंक्शन करेगा, मगर बट द लीव सैंक्शन बाय द बोरोइंग डिपार्टमेंट बट इंटीमेट टू द हेड ऑफ द ऑफिस एंड पीएओ, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, बेसिकली पेरेंट डिपार्टमेंट, जो कंसर्न एम्प्लॉय का पेरेंट डिपार्टमेंट है, तो बोरोइंग डिपार्टमेंट उसका हेड ऑफ द ऑफिस को एंड पीएओ को इंटीमेट करेगा कि इस तरीके का लीव उसको दिया गया, और लीव सैलरी यहां पर कौन देगा, लीव सैलरी यहां पर फॉरेन एम्प्लॉयर ही देगा, ठीक है। देन द फॉरेन एम्प्लॉयर शैल क्लेम रीइंबर्समेंट ऑफ द लीव सैलरी सो पेड, जो बेसिकली लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन होता है, आइदर लीव सैलरी कंट्रीब्यूट कौन करेगा, आइदर लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉई और बाय द फॉरेन एम्प्लॉयर। तो जब कंसर्न एम्प्लॉई फॉरेन सर्विस में लीव में जाता है, उसको लीव सैलरी कौन देता है, फॉरेन एम्प्लॉयर देता है, मगर फॉरेन एम्प्लॉयर उसको रीइंबर्स करेगा, जो लीव सैलरी देता है लीव पीरियड में कंसर्न एम्प्लॉई को, वो फॉरेन एम्प्लॉयर उसको रीइंबर्स करेगा वो लीव सैलरी को हाफ ईयरली इंटरवल्स में बाय सेंडिंग नेसेसरी क्लेम्स टू द हेड ऑफ, तो वो फिर सेंड करेगा हेड ऑफ द ऑफिस, जो पेरेंट डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द ऑफिस है फॉरेन एम्प्लॉयर, उसको सेंड करेगा कि मुझे रीइंबर्स कर दो, जो भी लीव सैलरी में आपका एम्प्लॉय को दे दिया लीव सैलरी, मुझे उसका रीइंबर्स करो, ठीक है, वो हेड ऑफ द ऑफिस को क्लेम करने के लिए, ठीक है, नेसेसरी क्लेम करने के लिए वो भेज देगा, ठीक है। इंडिकेटिंग डिटेल्स ऑफ द ऑफिशियल ऑन फॉरेन सर्विस,
जो कंसर्न एम्प्लॉय फॉरेन सर्विस में उसका डिटेल्स, नेचर एंड कौन सा किस तरीका का लीव लिया वो डिटेल्स दे देगा, रेट ऑफ लीव सैलरी और अमाउंट ऑफ लीव वो डिटेल्स दे देगा ये सब। तो बेसिकली आप याद रखना है जो लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन है, लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन आइदर पेड बाय द कंसर्न एम्प्लॉय और पेड बाय द फॉरेन एम्प्लॉयर। और जब कंसर्न एम्प्लॉय वो लीव लेता है तो उसी समय फॉरेन एम्प्लॉयर लीव सैलरी पे करता है, मगर फॉरेन एम्प्लॉयर एवरी हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मीन्स मार्च एंड सेप्टेम्बर एंड याद रखना है। तो फॉरेन एम्प्लॉयर वो जो लीव सैलरी दिया है उसको रिइम्बर्स करने के लिए वो क्लेम करेगा और डिटेल्स वो हेड ऑफ द ऑफिस को भेजेगा। हेड ऑफ द ऑफिस मीन्स वो पेरेंट डिपार्टमेंट, जो पेरेंट डिपार्टमेंट है कंसर्न एम्प्लॉय का उसका हेड ऑफ द ऑफिस को डिटेल्स भेजेगा कि किस तरीके का लीव सैंक्शन हुआ, लीव सैलरी का रेट क्या था और कितना लीव सैलरी पेड किया गया था, वो डिटेल्स भेजेगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट वन वही है, दिस स्टेटमेंट शैल बी सेंट फॉर द पीरियड एंडिंग 30 सितंबर एंड 31 मार्च। तो ये जो लीव सैलरी पे कर रहा है फॉरेन एम्प्लॉयर तो उसको तो वो रिइम्बर्स करेगा किससे, पेरेंट डिपार्टमेंट से। तो एवरी हाफ ईयर में उसको क्लेम करने के लिए वो डिटेल्स भेजेगा। डिटेल्स मीन्स जो कंसर्न एम्प्लॉय किस तरीके का लीव लिया, रेट ऑफ लीव सैलरी क्या है, अमाउंट ऑफ लीव सैलरी कितना पे किया गया, सो डिटेल्स भेजेगा हाफ ईयरली में। किसको भेजेगा ना, जो कंसर्न एम्प्लॉय का जो पेरेंट डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द ऑफिस को, द हेड ऑफ द ऑफिस पेरेंट, जो पेरेंट डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द ऑफिस है, शैल वेरीफाई द क्लेम्स प्रिफर्ड बाय द फॉरेन एम्प्लॉयर एंड अरेंज टू रिइम्बर्स द अमाउंट। ओके, कैसे रिइम्बर्स करेगा, बाय बाय मीन्स ऑफ ए चेक और बैंक ड्राफ्ट और विद इन ए मंथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, विद इन ए मंथ ऑफ रिसिप्ट ऑफ द क्लेम। तो जिस डेट में हेड ऑफ पेरेंट डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द ऑफिस वो क्लेम को रिसीव करेगा उसी उससे 1 मंथ के अंदर वो चाहे चेक हो कि बैंक ड्राफ्ट हो उसमें वो भेज देगा फॉरेन एम्प्लॉयर को बाय सबमिटिंग ए बिल टू द पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर कंसर्न। ठीक है, तो बिल को सबमिट कर देगा पीएओ को और वो जो रीइंबर्स अमाउंट है उसको चाहे चेक में कि बैंक ड्राफ्ट में भेज देगा। तो इसमें क्लियरली है लीव सैलरी पे करेगा फॉरेन एम्प्लॉयर, मगर वो फॉरेन एम्प्लॉयर उसको रीइंबर्स करेगा फ्रॉम द हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ द पेरेंट डिपार्टमेंट और एवरी हाफ ईयरली, जैसे मार्च 31 की 30 सितंबर, तो उसी एंड में जिस तरीके का लीव लिया है कि नेचर ऑफ द लीव की रेट ऑफ सपोज लीव सैलरी की अमाउंट ऑफ लीव सैलरी, तो डिटेल्स फॉरेन एम्प्लॉयर किसको भेजेगा, इट मीन्स सेंड द क्लेम टू द हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ द पेरेंट डिपार्टमेंट। और जिस डेट में जो पेरेंट डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द ऑफिस को मिलेगा वो 1 मंथ के अंदर उसको चाहे चेक में हो कि बैंक ड्राफ्ट में हो उसको वो भेज देगा एंड बाय और बिल को भी सबमिट कर देगा पीएओ को, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर को बिल सेंड कर देगा और ये चेक और बैंक ड्राफ्ट में वो जो क्लेम किया है फॉरेन एम्प्लॉयर उसको वो भेज देगा। ठीक है, और नेक्स्ट वन, इफ द फॉरेन एम्प्लॉयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ द फॉरेन एम्प्लॉयर पेज पीसी एंड एलएसी पेंशन कंट्रीब्यूशन एंड लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन, द लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन शैल बी एट 11% ऑफ द पे एक्चुअली ड्रॉन इन फॉरेन सर्विस, मैं बोल चुका हूं। तो फॉरेन सर्विस में क्या है, आइदर पेंशन कंट्रीब्यूशन एंड लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन पे बाय द कंसर्न एम्प्लॉय, ओके, और बाय द फॉरेन एम्प्लॉयर, तो ये कंसेंट होता है कौन देगा। तो यदि फॉरेन एम्प्लॉय देता है तो लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन कितना है, 11% ऑफ द पे ड्रॉन इन फॉरेन सर्विस, जो फॉरेन सर्विस में उसका बेसिक पे है तो उसका 11% वो कंट्रीब्यूट करेगा आज लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन। तो इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हिमसेल्फ पेज द कंट्रीब्यूशन द लीव सैलरी, यदि गवर्नमेंट सर्वेंट खुद एलएसी पे करता है तो वो कैसे कैलकुलेट होगा ना, लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन विल बी कैलकुलेट नेट पे ड्रॉन, नेट पे ड्रॉन, नेट पे क्या है, नेट पे क्या है ना, सपोज उसका जो बेसिकली एक्चुअल पे है तो एक्चुअल पे से आप माइनस कर दो पेंशन कंट्रीब्यूशन को, जो उसका पे है जो पे ड्रॉन है फॉरेन सर्विस में उसमें पेंशन कंट्रीब्यूशन है, पेंशन कंट्रीब्यूशन को माइनस कर दो वो नेट पे हो जाएगा।
तो वही है, द लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन द नेट पे ड्रॉन ड्यूरिंग फॉरेन सर्विस। नेट पे मीन्स जो बैलेंस है, बैलेंस क्या है, आप एक्चुअल पे ड्रॉन माइनस पेंशन कंट्रीब्यूशन। एक्चुअल पे ड्रॉन जो एक्चुअल आपका बेसिक पे आपको मिल रहा है, जो बेसिक पे आपको मिल रहा है फॉरेन सर्विस में, उससे आप पेंशन कंट्रीब्यूट करते हो तो पेंशन कंट्रीब्यूशन को माइनस कर दो, वही नेट पे के ऊपर आपका LAC लगेगा, लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन आपको देना है। ठीक है, तो अभी कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। द फॉलोइंग फॉर्मूला विल बी अप्लाइड। अभी फॉर्मूला से आपको पता चल जाएगा एक एक ऑप्शन में। फर्स्ट एक ऑप्शन है, वेयर द पेंशन कंट्रीब्यूशन अलोन इज पेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। ओनली पेंशन कंट्रीब्यूट पीसी, ओनली जो कंसर्न एम्प्लॉय है फॉरेन सर्विस में, ओनली वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, पेंशन कंट्रीब्यूशन, ओनली वो पेंशन कंट्रीब्यूशन है। तो इस केस में लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि ओनली एम्प्लॉय जो है वो पे कर रहा है पेंशन कंट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या होगा, पे एक्चुअली ड्रॉन, सपोज पे एक्चुअली ड्रॉन है एफ माइनस पेंशन कंट्रीब्यूशन पी, ओके, इनटू जो लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन 11% है, तो इट मींस आर बाय 100। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ओनली पेंशन कंट्रीब्यूशन, तो पेंशन कंट्रीब्यूशन अलोन इज पेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, तो ये नेट पे है। तो नेट पे क्या है, एक्चुअल एफ जो है ना सिंबल, वो है पे एक्चुअली ड्रॉन, पे एक्चुअली ड्रॉन माइनस पेंशन कंट्रीब्यूशन, तो ये नेट पे हो गया, ये जो है नेट पे है, तो ये नेट पे के ऊपर वो लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन पे करेगा, तो नेट पे इज इक्वल इनटू आर बाय 100, ऐसे लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट होगा। तो लीव सैलरी यहां पर पेंशन कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है, कंसर्न एम्प्लॉय, मगर लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन कौन देगा, फॉरेन एम्प्लॉयर देगा। समझ में आ रहा है, तो वेयर द पेंशन कंट्रीब्यूशन अलोन इज पेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, तो इस केस में लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन जो पे करेगा कौन पे करेगा, फॉरेन एम्प्लॉयर, तो इसे कैलकुलेट होगा। चलो नेक्स्ट वन, सेकेंड ऑप्शन देखिए, वेयर द लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन अलोन इज पेबल बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। यहां पर क्या है, ओनली ओनली इसको पे करेगा, लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन ओनली पे करेगा गवर्नमेंट सर्वेंट, ओके, इसको पे करेगा गवर्नमेंट सर्वेंट, और जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर पे करेगा। तो इस केस में कैसे कैलकुलेट होगा, ना पे एक्चुअली ड्रॉन इनटू, राइट, इनटू आर बाय 100 प्लस आर, आर जो है 11% अभी है, तो लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन ऐसे है, यदि लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन ओनली पे बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, तो यहां पर पेंशन कंट्रीब्यूशन कौन पे करेगा, पेंशन कंट्रीब्यूशन पे करेगा सपोज फॉरेन एम्प्लॉयर, पेंशन कंट्रीब्यूशन पे करेगा फॉरेन एम्प्लॉयर। तो इस केस में कैसे कैलकुलेट होगा, ना एक्चुअल पे ड्रॉन इनटू आर बाय 100 प्लस आर, ठीक है, जो रेट है ये जो है आर जो है ना, आर जो है वो है सपोज लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन का रेट है अभी जो 11% है, ठीक है। नेक्स्ट वन, बोथ पे करेगा गवर्नमेंट सर्वेंट, इट मीन्स बोथ पे करेगा, पेंशन कंट्रीब्यूशन पे करेगा, LAC भी पे करेगा, दोनों कंसर्न एम्प्लॉय पे करेगा। तो इस केस में कैसे लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकालेंगे, भाई नेट पे को चले जाइए, एक्चुअल पे ड्रॉन सिंबल एफ है, पेंशन कंट्रीब्यूशन पी है, ये नेट पे हो गया, इनटू भाई आर बाय 100 प्लस आर, आर जो है वो लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन का रेट है जो 11% है, और ये नेट पे है यदि बोथ पे करेगा, बोथ एक्चुअली पेंशन कंट्रीब्यूशन एंड लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन पेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इससे आपको फॉर्मूलाज को रिमेंबर करना है, ठीक है। नेक्स्ट रूल 117, जो फंडामेंटल रूल 117 है, मैचिंग ऑफ कंट्रीब्यूशंस फॉर पीसी एंड LAC ड्यूरिंग फॉरेन सर्विस। आपको मैं बार बार बता रहा हूं, जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है वो एक्चुअली जैसे नॉर्मल आप आपका पेरेंट डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, तो जैसे आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है, यहां पर भी वैसे ही आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन होगा फॉरेन सर्विस में, कोई अलग नहीं है, ठीक है। जैसे आपका पेरेंट डिपार्टमेंट में आप हो, जैसे आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन हो रहा था जो आपका बेसिक पे के ऊपर, तो यहां पर भी फॉरेन सर्विस में हो एज यूजुअल वैसे ही पेंशन कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। और उसका जो सेकेंड है, इसको इतना ध्यान मत दीजिए, वही चीज में दे दिया, ठीक है। और नेक्स्ट
ये वही दे दिया जो मैचिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन सब पीसी एंड एलएसी भाई है। यहाँ पर लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन जो आपको लीव लेने के समय, तो ये एलएसी के ऊपर है, लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन है। लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन के ऊपर अभी मैं डिटेल्स बताया कैसे कैलकुलेट होता है। बेसिकली वो नेट पे के हिसाब से होगा, ठीक है। तो और वो तीनों फॉर्मूलाज बताया। लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन अभी 11% है, और आपका जो फॉरेन सर्विस में जो पे ड्रॉन है, एक्चुअल पे ड्रॉन के ऊपर वो लगेगा, और कैसे कैलकुलेट होगा मैं बता दिया आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, रूल 118 नहीं है, रूल 118 को आप डिलीट कर दीजिए, वो नहीं है। तो रूल 119 यहां पर है, रेमिट ऑफ कंट्रीब्यूशंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रेमिट ऑफ कंट्रीब्यूशंस क्या है, यदि आपका फॉरेन सर्विस में ट्रांसफर होता है तो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट में कुछ कंट्रीब्यूशंस आपको देना पड़ेगा, तो उसको इमीडिएटली क्या करेगा ना, वो उसको रिमिट किया जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल एक देता हूं, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, सीजीएचएस आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो जब आपका फॉरेन सर्विस में ट्रांसफर हो गया तो इसका जो कंट्रीब्यूशन था उसको रिमिट किया जाएगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम में ये सब कंपलसरी है, एवरी मंथ में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम, तो ये सब है। तो उसमें जब आपका फॉरेन सर्विस में ट्रांसफर होगा तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिमिट किया जाएगा। और जो सेकेंड दे दिया, सपोज आपका कोई ओवर ड्यू है, सपोज ये सपोज फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ये ओवर ड्यू है, सपोज लेट हो चुका है, आप उसका कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, तो आपका अभी फॉरेन सर्विस में ट्रांसफर हो गया मगर आपका कंट्रीब्यूशन ओवर ड्यू है, तो इस केस में इंटरेस्ट लगेगा। ओके, इंटरेस्ट इंपोज होगा, क्या इंपोज होगा, जो ओवर ड्यू अमाउंट है इंटरेस्ट लगेगा, जो ओवर ड्यू अमाउंट है ओवर ड्यू के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो यहां पर याद रखना है, जब आपका फॉरेन सर्विस में ट्रांसफर हो गया जो भी कंपलसरी कंट्रीब्यूशन था वो कंट्रीब्यूशंस को रिमिट कर दिया जाएगा, यदि वो कंट्रीब्यूशंस ओवर ड्यू है ओवर ड्यू के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। ये रूल 119 है। चलो रूल 120, काउंटिंग ऑफ फॉरेन सर्विस एज ड्यूटी इन गवर्नमेंट। तो आप जो फॉरेन सर्विस में काम कर रहे हो एज यूजल उसको ड्यूटी माना जाएगा, उसके ऊपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये रूल को याद रखना है, रूल के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन फॉरेन सर्विस मे नॉट इलेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मे नॉट इलेक्ट टू विथड्रॉ कंट्रीब्यूशन, कि आप ये इलेक्ट करोगे कि मुझे कंट्रीब्यूशन नहीं देना है, जैसे पेंशन कंट्रीब्यूशन नहीं देना है कि लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन नहीं देना है, ये दोनों को मुझे नहीं देना है, आप इलेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं, आपको देना ही पड़ेगा, आप ये इलेक्ट नहीं कर सकते। सपोज आप ये मे नॉट इलेक्ट टू विथहोल्ड कि ये आप दोनों को विथहोल्ड कर दो, मुझे अभी नहीं देना है, आप ऐसा एक सपोज ऑप्शन चूज कर रहे हो जिसमें आप क्या चूज कर रहे हो कि मैं पेंशन कंट्रीब्यूशन और जो लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन उसको विथहोल्ड कर दिया जाए, और आप भी क्लेम कर रहे हो कि मेरा मुझे जो फॉरेन सर्विस में मैं जो काम कर रहा हूं उसको ड्यूटी ना माना जाए, एंड टू फॉरफिट द राइट टू काउंट एज ड्यूटी। ओके, तो ये चीज है, इन गवर्नमेंट सर्विस द टाइम स्पेंट इन फॉरेन एम्प्लॉय, तो ये दिया है गवर्नमेंट सर्वेंट इन फॉरेन सर्विस मे नॉट इलेक्ट, आप ऐसे इलेक्ट नहीं कर सकते कि मेरा ये दोनों को विथहोल्ड कर दिया जाए, देखिए या आप ये सिलेक्ट नहीं कर सकते कि सपोज मेरा पेंशन कंट्रीब्यूशन और लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन को क्या कर दिया जाए, विथहोल्ड कर दिया जाए, और मैं जो फॉरेन सर्विस में जो काम कर रहा हूं जो ड्यूटी कर रहा हूं उसको ड्यूटी ना माना जाए, मुझे जरूरत नहीं है, वो ड्यूटी ना माना जाए ना, मैं ये दोनों को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा वो ड्यूटी माना जाए जो फॉरेन सर्विस में काम कर रहा हूं, ऐसे आप कोई ऑप्शन चूज नहीं कर सकते, आप कंपलसरी कंट्रीब्यूट करना है और आप फॉरेन सर्विस में जो काम कर रहे हो उसको ड्यूटी माना जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो आप जो इन फॉरेन सर्विस योर वर्क इट मीन्स शुड बी मेंटेन्ड एज ड्यूटी एंड यू मस्ट कंट्रीब्यूट पेंशन कंट्रीब्यूशन एंड लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ आर 120। दे नेक्स्ट वन, फंडामेंटल रूल 121, एक्सेप्टेंस ऑफ पेंशन एंड ग्रेच्युटी फ्रॉम फॉरेन एम्प्लॉयर। सपोज आप अभी फॉरेन सर्विस में हो, आपका रिटायरमेंट हो गया, सुपर एनुएशन हो गया, फॉरेन सर्विस में आपका
सुपरानुएशन हो गया, तो इसमें क्या है, विदाउट परमिशन ऑफ योर पेरेंट डिपार्टमेंट आप पेंशन ग्रेच्युटी नहीं ले सकते फॉरेन एम्प्लॉयर से, बोरोइंग डिपार्टमेंट से। आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को आप सैंक्शन करेगा आपका, ओके आपका पेरेंट डिपार्टमेंट सैंक्शन करेगा, हाँ ठीक है आप पेंशन ग्रेच्युटी वही फॉरेन एम्प्लॉयर से ले जाओ, और विदाउट सैंक्शन ऑफ द पेरेंट डिपार्टमेंट यू कैनॉट टेक, यू कैनॉट एक्सेप्ट ग्रेच्युटी एंड पेंशन। तो वही दे दिया, ए गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसफर टू फॉरेन सर्विस मे नॉट विदाउट द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट सैंक्शन करेगा, सपोज आपका सुपर एनुएशन हो रहा है फॉरेन सर्विस में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सैंक्शन करेगा। क्या सैंक्शन करेगा, कि हाँ आप फॉरेन एम्प्लॉयर से पेंशन एंड ग्रेच्युटी लो। तो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट का बिना सैंक्शन से आप पेंशन ग्रेच्युटी फॉरेन एम्प्लॉयर से कि बोरोइंग डिपार्टमेंट से नहीं ले सकते, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल रूल 121। नेक्स्ट फंडामेंटल रूल 122, सैंक्शन ऑफ लीव ड्यूरिंग फॉरेन सर्विस इन इंडिया। तो इसमें क्या है, मैं आपको बता चुका हूं कि जो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट में जो लीव रूल्स है उसी लीव रूल्स यहां पर रहेगा। तो जो यहां पर लीव आपको मिलेगा फॉरेन सर्विस में, आप जो भी लीव ले रहे हो, जो टाइप ऑफ लीव्स, जो आप टाइप ऑफ लीव्स जो ले रहे हो, तो वो पेरेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से होगा, पेरेंट डिपार्टमेंट का लीव रूल्स के हिसाब से होगा। जो पेरेंट डिपार्टमेंट में जो लीव नहीं है वो लीव आप नहीं ले सकते बोरोइंग डिपार्टमेंट में, तो आप ठीक है, हाँ ठीक है फॉरेन जो एम्प्लॉयर है वो आपका लीव अकाउंट मेंटेन कर रहा है, आपको वो लीव सैलरी दे रहा है, मगर जो लीव रूल्स आपके लिए लागू होगा वो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट में जो भी लीव रूल्स है, लीव रूल्स के ऊपर जो भी सपोज गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से आपको बोरोइंग डिपार्टमेंट में लीव मिलेगा, ठीक है। तो ये वही है सैंक्शन ऑफ लीव ड्यूरिंग फॉरेन सर्विस इन इंडिया, तो आपको याद रखना है। अभी आगे में हम उसको डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट में लीव के ऊपर, मगर यहां पर आपको याद रखना है, डिस्कस भी कर चुका हूं, जो फॉरेन सर्विस में आपको जो लीव मिलेगा तो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट का जो लीव रूल्स है उसी के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। और इसके ऊपर बता देता हूं, जैसे आपका, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, आप जैसे आपका पेरेंट डिपार्टमेंट वैकेशन डिपार्टमेंट था, आप अभी चले गए नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट, तो ये आपका पेरेंट डिपार्टमेंट है, ये आपका बोरोइंग डिपार्टमेंट है, तो इस केस में जो लीव रूल्स लगेगा वो बोरोइंग डिपार्टमेंट का लगेगा, क्योंकि आपका किसका लीव रूल्स लगेगा, बोरोइंग डिपार्टमेंट का, क्योंकि आपका पेरेंट डिपार्टमेंट वैकेशनल डिपार्टमेंट था, अभी आपका बोरोइंग डिपार्टमेंट नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट हो गया, चेंज हो गया, तो इस केस में बोरोइंग डिपार्टमेंट का लीव रूल्स लगेगा और वाइस वर्सा। और अदर केस में सपोज आपका, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका पेरेंट डिपार्टमेंट है वैकेशन डिपार्टमेंट और आपका जो बोरोइंग डिपार्टमेंट वो भी है वैकेशन डिपार्टमेंट, कि आपका पेरेंट डिपार्टमेंट है नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट और आपका बोरोइंग डिपार्टमेंट है नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट, दोनों समान है, तो इस केस में जो लीव रूल्स लगेगा वो पेरेंट डिपार्टमेंट का लीव रूल्स लगेगा, ठीक है ठीक है। तो इसको थोड़ा आपको याद रखना है, वही दे दिया, गवर्नमेंट सर्वेंट इन फॉरेन सर्विस इन इंडिया मे नॉट बी ग्रांटेड लीव अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एप्लीकेबल टू द सर्विस ऑफ विच इज अ मेंबर। तो मैं उसको भी क्लैरिफाई किया आपको, तो उसको थोड़ा ध्यान देना है। चलो नेक्स्ट वन, रूल 123, सैंक्शन ऑफ लीव ड्यूरिंग फॉरेन सर्विस आउट ऑफ इंडिया। ये दे दिया आउट ऑफ इंडिया सैंक्शन ऑफ लीव। तो बेसिकली जो आउट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट सर्वेंट इन फॉरेन सर्विस आउट ऑफ इंडिया मे बी ग्रांटेड लीव बाय हिज एम्प्लॉयर ऑन सच कंडीशंस एज द एम्प्लॉयर मे डिटरमाइन। अभी आप अब्रॉड में काम कर रहे हो फॉरेन सर्विस में, तो इस केस में क्या होगा, तो यहां पर देखिए ऑप्शन है फॉरेन सर्विस आउट ऑफ इंडिया, इस केस में आपका एम्प्लॉयर जो फॉरेन एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो डिटरमाइन करेगा, वो आपको लीव देगा, ठीक है, तो उसका उसका जो लीव रूल्स है उसके हिसाब से आपको लीव मिलेगा। समझ में आ रहा है, जो फॉरेन डिपार्टमेंट का इस केस में, आप मैंने फॉरेन सर्विस आउट ऑफ इंडिया केस में जो भी बोरोइंग डिपार्टमेंट का लीव रूल्स रहेगा उसके हिसाब से एम्प्लॉयर ग्रांट करेगा लीव।
और इंडिविजुअल केस में द अथॉरिटी सैंक्शनिंग द ट्रांसफर, ये इंडिविजुअल केस में द अथॉरिटी सैंक्शनिंग द ट्रांसफर में डिटरमाइन बिफोर हैंड इन कंसल्टेशन विद द एम्प्लॉयर द कंडीशंस ऑन व्हिच लीव विल बी ग्रांटेड बाय द एम्प्लॉयर। ये भी हो सकता है। इंडिविजुअल केस में क्या है, जो आपका द अथॉरिटी सैंक्शनिंग द ट्रांसफर, अथॉरिटी सैंक्शनिंग द ट्रांसफर मीन्स आपका लेंडिंग डिपार्टमेंट, पैरेंट डिपार्टमेंट, तो पैरेंट डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपका जो फॉरेन एम्प्लॉयर है आउट ऑफ इंडिया उससे कंसल्ट करेगा, और कंसल्टेशन के बाद उसको भी पता होगा कि किस तरीका का लीव आप दे रहे हो। वो एम्प्लॉयर से पूछ सकता है कि किस तरीका का लीव मेरा एम्प्लॉय को आप दे सकते हो, ठीक है, तो वो कंसल्ट करेगा इंडिविजुअल केस में। इंडिविजुअल तो आपको याद रखना है, बेसिकली नॉर्मली जो फॉरेन सर्विस आउट ऑफ इंडिया, इनकेस ऑफ फॉरेन सर्विस आउट ऑफ इंडिया, इसमें क्या होता है, जो फॉरेन एम्प्लॉयर है उसका जो लीव रूल्स है उसी के हिसाब से कंसर्न एम्प्लॉय को लीव मिलेगा। मगर इंडिविजुअल केस में क्या होता है, कभी कभी जो पैरेंट डिपार्टमेंट है वो फॉरेन एम्प्लॉयर से कंसल्ट करेगा बिफोर हैंड कि उसको किस तरीका का लीव ग्रांट होगा। जो एम्प्लॉय, जो पैरेंट डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है वो अभी जाकर जो फॉरेन सर्विस में काम कर रहा है उसको किस तरीका का लीव दिया जाएगा। द लीव सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ग्रांटेड बाय द एम्प्लॉयर विल बी पेड बाय द एम्प्लॉयर, तो इस केस में जो लीव सैलरी होगा वो फॉरेन एम्प्लॉयर ही देगा। इसमें याद रखिए, जो भी लीव सैलरी पे होगा, लीव ग्रांट कौन करेगा, फॉरेन एम्प्लॉयर करेगा, और लीव सैलरी कौन देगा, वही फॉरेन एम्प्लॉयर देगा। मगर आपका लीव अकाउंट से लीव डेबिट नहीं होगा। तो इसमें दो तीन चीज आपको याद रखिए, बहुत कॉमन चीज, कि फॉरेन डिपार्टमेंट जो ये फॉरेन सर्विस आउट ऑफ इंडिया, फॉरेन एम्प्लॉयर का जो लीव रूल से वही लागू होगा, और इसमें लीव सैलरी फॉरेन एम्प्लॉयर देगा, मगर जो लीव अकाउंट से, जो आपका लीव अकाउंट है उसमें लीव को डेबिट नहीं किया जाएगा। ओके, लीव विल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट्स लीव अकाउंट। तो ये दो तीन चीज आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। स्पेशियल केसेस में यदि आपका फॉरेन एम्प्लॉयर, स्पेशियल केस में, स्पेशियल सर्कमस्टेंसेस में फॉरेन एम्प्लॉयर लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन करता है, सभी केस में नहीं, स्पेशियल केस में फॉरेन एम्प्लॉयर लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन करता है, और यदि वो लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन करता है तब इस केस में क्या होगा, यदि स्पेशियल केस में फॉरेन एम्प्लॉयर लीव सैलरी कंट्रीब्यूट कर रहा है तब जो लीव रूल्स होगा वो पेरेंट डिपार्टमेंट का होगा। तो यहां पर बेसिकली पेरेंट डिपार्टमेंट का लीव रूल्स लागू होगा यदि फॉरेन एम्प्लॉयर, स्पेशियल केस में, अदर केस में नहीं होता है, जनरली फॉरेन एम्प्लॉयर लीव सैलरी कंट्रीब्यूट नहीं करता है। ओके, जो मैं यहां पर क्या बात कर रहा हूं, फॉरेन सर्विस आउट ऑफ इंडिया, विद इन इंडिया नहीं है, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया केस में नॉर्मली क्या होता है, फॉरेन एम्प्लॉयर लीव सैंक्शन करता है, लीव सैलरी देता है, मगर लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होगा। स्पेशियल केस में, स्पेशियल केस में यदि फॉरेन एम्प्लॉयर लीव सैलरी कंट्रीब्यूट करता है तब पेरेंट डिपार्टमेंट का लीव रूल्स लागू होगा। इसको थोड़ा आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ऑफिशिएट पोस्ट आ गया, पेड ड्यूरिंग ऑफिशिएट पोस्ट ड्यूरिंग फॉरेन सर्विस। ऑफिशिएट पोस्ट क्या है, सपोज एक हायर पोस्ट वैकेंट है, ठीक है, तो आपको वो हायर पोस्ट में एडहॉक बेसिस में वो पोस्ट को संभालने के लिए दे दिया गया, वो बेसिकली ऑफिशिएट पोस्ट है। और एक बार बता रहा हूं, ऑफिशिएट पोस्ट मींस वो एक्चुअली एक वैकेंट पोस्ट था, एक हायर पोस्ट वैकेंट था, तो वो पोस्ट को आपको दे दिया गया एडहॉक बेसिस में, टेम्पररी के लिए, नॉट परमानेंटली, टेम्पररी के लिए हायर पोस्ट वैकेंट था, ठीक है, और वो पोस्ट आपको दे दिया गया एडहॉक बेसिस में और टेम्पररी पीरियड के लिए, और वैसा ही हुआ। यहां पर क्या है, अभी जो एम्प्लॉय है वो फॉरेन सर्विस में है, और उसमें उसको उसका पेरेंट डिपार्टमेंट में पीडी लिख दिया, ऑफिशिएटिंग पोस्ट एक दे दिया गया, एक ऑफिशिएटिंग पोस्ट दे दिया गया, कॉन्सर्न एम्प्लॉय वो अभी फॉरेन सर्विस में काम कर रहा है, ठीक है, पेरेंट डिपार्टमेंट में, उसी समय पेरेंट डिपार्टमेंट ने क्या किया, उसको एक हायर पोस्ट वैकेंट था और वो हायर पोस्ट का चार्ज एडहॉक बेसिस में कि टेम्पररी पीरियड के लिए जो कंसर्न एम्प्लॉय फॉरेन सर्विस में काम कर रहा है उसको दे दिया।
तो अभी वो दोनों देखेगा, सपोज यहाँ पर फॉरेन सर्विस में है और उसको भी मैनेज करेगा, जो पेरेंट डिपार्टमेंट में जो हायर पोस्ट वैकेंट था वो टेम्पररी पीरियड के लिए वो पोस्ट को भी वो मैनेज करेगा। तो यहाँ पर डुअल चार्ज हो गया, यहाँ पर फॉरेन सर्विस में है और वहां पर पेरेंट डिपार्टमेंट के हायर पोस्ट को भी वो मैनेज करेगा टेम्पररी पीरियड के लिए। तो यहाँ पर उसका पे जो फिक्स होगा, बेसिकली पेरेंट डिपार्टमेंट में जो ऑफिशिएटिंग पोस्ट है, जो ऑफिशिएटिंग पोस्ट में, जो ऑफिशिएटिंग पोस्ट तो हायर पोस्ट हो गया ना, तो उसमें जो बेसिक पे होगा उसी के हिसाब से पे फिक्स होगा। आपको अभी जो फॉरेन सर्विस में जो एक्चुअल पे ड्रॉन है उसके हिसाब से आपका पे फिक्सेशन नहीं होगा, क्योंकि आपको अभी डुअल चार्ज मिल गया। यहां पर आप अभी फॉरेन सर्विस में हो, आपका पेरेंट डिपार्टमेंट वहां पर क्या क्या एक हायर पोस्ट वैकेंट था वो पोस्ट को भी आपको चार्ज आपको दे दिया, चार्ज दे दिया। तो यहां पर पे फिक्स कैसे होगा ना, जो ऑफिशिएटिंग आपका पेरेंट डिपार्टमेंट का जो ऑफिशिएटिंग पोस्ट है उसका जो बेसिक पे होगा उसी उसी के हिसाब से आपका पे फिक्स होगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो फॉरेन सर्विस में जो एक्चुअल पे ड्रॉन है उसके हिसाब से पे फिक्स नहीं होगा, जो ऑफिशिएटिंग पोस्ट है पेरेंट डिपार्टमेंट में उसमें जो पे है उसी पे के हिसाब से आपका पे फिक्सेशन होगा। ठीक है, तो यहां पर डुअल चार्ज का बात आता है। ठीक है, नेक्स्ट वन फंडामेंटल रूल 125, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्ट फ्रॉम फॉरेन सर्विस ऑन द डे ही टेक्स चार्ज। तो अब जब रिवर्ट कर रहे हो पेरेंट डिपार्टमेंट को वो कब से इफेक्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दे दिया, गवर्नमेंट सर्वेंट रिवर्ट्स फ्रॉम द फॉरेन सर्विस टू गवर्नमेंट सर्विस ऑन द डेट ऑन व्हिच ही टेक्स चार्ज ऑफ हिज पोस्ट इन गवर्नमेंट सर्विस। आप याद रखिए कब से इफेक्ट होगा। सपोज आप अभी फॉरेन सर्विस में, फॉरेन सर्विस से रिटर्न आ गए आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को, तो वो कब से इफेक्ट होगा, जब आपका रिवर्सन हो गया, आप आकर पेरेंट जिस डेट में पेरेंट डिपार्टमेंट में आप चार्ज को टेक ओवर किया उसी से इफेक्ट होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट रिवर्स फ्रॉम फॉरेन सर्विस टू गवर्नमेंट सर्विस ऑन द डेट, ऑन द डेट ऑन व्हिच ही टेक्स चार्ज ऑफ हिज पोस्ट इन गवर्नमेंट सर्विस। तो ये जो रिवर्सन का इफेक्ट कब से होगा इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो आप रिटर्न आ जाओगे जिस डेट में आप आकर पेरेंट डिपार्टमेंट में, ठीक है, चार्ज को टेक ओवर करोगे उसी डेट से आपका रिवर्सन इफेक्ट होगा। ठीक है, यदि ये सेकेंड ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर सपोज आप जब आपका रिवर्सन हुआ आप उस समय लीव में हो, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इफ ही टेक्स लीव ऑन द कंक्लूजन ऑफ फॉरेन सर्विस। जैसे आप फॉरेन सर्विस आपका कंक्लूड हुआ आप लीव में चले गए, बिफोर आप अभी आकर पेरेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन नहीं किया है, आप आकर पेरेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन नहीं किया है और आप लीव ले लिया, आपका फॉरेन सर्विस एक्सपायर हो गया, फॉरेन सर्विस जब एक्सपायर हो गया आप लीव ले लिए, आप आकर पेरेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन नहीं किए, तो ये जो रिवर्सन का इफेक्ट कब से होगा। तो हिज रिवर्सन शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम सच डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिज रिवर्सन शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन हुज एस्टेब्लिशमेंट ही इज बॉर्न में डिसाइड। तो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट ही डिसाइड करेगा। आप अभी फॉरेन सर्विस आपका एक्सपायर हो गया, एक्सपायर जब हो गया आप लीव में चले गए, आप अभी पेरेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन नहीं किए, तो ये जो रिवर्सन कब से इफेक्ट होगा ना, यहां पर जो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट ही डिसाइड करेगा कौन सा डेट से होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। हिज रिवर्सन शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हुज ऑन हुज एस्टेब्लिशमेंट ही इज बॉर्न में डिसाइड। इट मीन्स आपका पेरेंट डिपार्टमेंट ही डिसाइड करेगा यहां पर कौन सा डेट से आपका रिवर्सन इफेक्ट होगा। ठीक है, FR 126, सीज ऑफ पे एंड कंट्रीब्यूशन बाय फॉरेन एम्प्लॉयर व्हेन रिवर्ट। तो आप जब आपका रिवर्सन हो गया तो आप जिस डेट में आपका बेसिकली आप फॉरेन सर्विस आपका एक्सपायरी हो गया तो उसी डेट से आपका बंद हो जाएगा पे, जो कंट्रीब्यूशन है पेंशन कंट्रीब्यूशन की लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन आप दे रहे थे वो सीज हो जाएगा। तो ये दिया है, व्हेन गवर्नमेंट सर्वेंट रिवर्ट्स फ्रॉम फॉरेन सर्विस टू गवर्नमेंट सर्विस हिज पे विल सीज टू बी पेड बाय द फॉरेन एम्प्लॉयर एंड हिज कंट्रीब्यूशन विल बी डिसकंटिन्यूड इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिवर्सन, विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिवर्सन। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अंडरलाइन किया डबल लाइन में। देखिए जो इफेक्ट फ्रॉम द जो डिस डेट में आपका रिवर्सन हो गया उसी डेट से ये जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है कि लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन उसको सीज कर दिया जाएगा।
ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हिज कंट्री कंट्रीब्यूशन विल बी डिसकंटिन्यूड, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, कब से इफेक्ट होगा ना, फ्रॉम द डेट ऑफ रिवर्सन, फ्रॉम द विथ इफेक्ट, ये इसको या विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिवर्सन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ओके, जो ऑर्डर जो रिलीज होगा, ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होगा कि इसी डेट में आपको रिवर्ट कर दिया गया, तो जिस डेट से आपको क्लियरली मेंशन होगा इसी डेट में आपको रिवर्ट कर दिया गया, उसी डेट से आपका कंट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा, डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। ठीक है, और 127 फंडामेंटल, ये लास्ट फंडामेंटल रूल 127 रिकवरीज के ऊपर है। तो यहां पर क्या है, सपोज आपके लिए कुछ एडिशनल एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, उसमें कुछ पैसा खर्च हुआ था, तो आपका बेनिफिट के लिए, जो कंसर्न एम्प्लॉय जो फॉरेन सर्विस में गया था उसका बेनिफिट के लिए कुछ एडिशनल एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट किया गया था, तो जो भी पैसा खर्च हुआ था उसको रिकवरी किया जाएगा, ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, तो बेसिकली कंसर्न एम्प्लॉय का बेनिफिट के लिए फॉरेन एम्प्लॉयर ने एडिशनल एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट किया था और उसमें कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर हुआ था, उसको रिकवरी किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो रेट जो रूल 116 है, जो रूल 116 क्या था, जो पेंशन कंट्रीब्यूशन और लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन दोनों रेट था, उसमें सपोज ये दिया है, द कॉस्ट ऑफ द सर्विस शैल इंक्लूड कंट्रीब्यूशन एट सच रेट्स एज मे बी लेड डाउन अंडर रूल 116 एंड द कंट्रीब्यूशन शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द सैंक्शन रेट्स ऑफ पे ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। तो ये तो कॉमन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपका रिकवरीज को रिड्यूस भी कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सपोज इसमें जो दो कंट्रीब्यूशन था, पेंशन कंट्रीब्यूशन की लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन, उसमें कुछ ओवर ड्यूज हो गया, जितना सपोज कंट्रीब्यूट करना था वो सपोज कम किया गया था, जितना कंट्रीब्यूट होना था उससे कम किया गया, तो बेसिकली रिकवरी होगा। इसमें कुछ ओवर ड्यू हो गया, सपोज ओवर ड्यू हो गया ये कंट्रीब्यूशन में, पेंशन कंट्रीब्यूशन और लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन में कुछ ओवर ड्यू हो गया। सपोज यहां पर क्या है, आप जानते हो फॉरेन सर्विस में ये दोनों कंट्रीब्यूशंस आइदर पे करता है एम्प्लॉय और फॉरेन एम्प्लॉयर, यदि आप खुद पे कर रहे थे और उसमें कुछ कंट्रीब्यूशंस में ओवर ड्यू हो गया तो वो रिकवर किया जाएगा, और ये जो रिकवरीज है उसको भी रिड्यूस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, भी रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को हम डिस्कस करेंगे, जैसे डेपुटेशन अलोयंस आ गया यहाँ पर, डेपुटेशन ड्यूटी अलोयंस जो एक स्पेशियल पे होता है, जैसे आप देखिए फंडामेंटल रूल आप देख लीजिए 9, उसका सबसेक्शन 25 में एक स्पेशियल पे है। स्पेशियल पे क्या है, कुछ आर्डुअस वर्क की, कुछ डिफिकल्ट वर्क आप कर रहे हो उसमें आपको स्पेशियल पे मिल रहा है, तो वैसा ही डेपुटेशन अलोयंस है। यदि आप डेपुटेशन अलाउंस कब मिलेगा, जब आप पेरेंट डिपार्टमेंट का पे को आप ले रहे हो, सपोज आप पेरेंट, आप बोल आपको आपके लिए ऑप्शन है, आपका जो डेपुटेशन डिपार्टमेंट का पे को आप प्रिफर करोगे ना पेरेंट डिपार्टमेंट का पे को प्रिफर करोगे, यदि आप पेरेंट डिपार्टमेंट का पे को प्रिफर कर रहे हो, पे को प्रिफर कर रहे हो, तब तो आपको क्या मिलेगा, डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा। समझ में आ रहे, पेरेंट डिपार्टमेंट का पे को आप प्रिफर कर रहे हो, और यहां पर एक है, आप बेसिकली आप फॉरेन सर्विस पे को प्रिफर कर रहे हो, नहीं मुझे पेरेंट डिपार्टमेंट का मैं पे को प्रिफर नहीं करूंगा, मुझे जो डेपुटेशन जो बेसिकली डिपार्टमेंट है, जो बोरोइंग डिपार्टमेंट का जो पे है मैं उसको प्रिफर कर रहा हूं, तब तो आपको डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। मगर डेपुटेशन अलाउंस कब मिलेगा, जब आप पेरेंट डिपार्टमेंट का पे को प्रिफर कर रहे हो, तो वैसा ही एक स्पेशल पे होता है। तो सेम स्टेशन में, विद इन द सेम स्टेशन आपको डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा 5% ऑफ बेसिक पे, मैक्सिमम 4,500 पर मंथ। सेम स्टेशन में आपका सपोज आपको डेपुटेशन में भेज दिया गया, सेम स्टेशन में कि आप फॉरेन सर्विस में चले गए, सेम स्टेशन में, तो यहाँ पर जो ये जो बेसिक पे है ना पेरेंट डिपार्टमेंट का, ये जो बेसिक पे है पेरेंट डिपार्टमेंट का जो बेसिक पे है उसको आप प्रिफर कर रहे हो, तो उसका 5% और मैक्सिमम 4,500। यदि आपका स्टेशन चेंज हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपका स्टेशन चेंज हो रहा है तब तो आपका जो बेसिक पे का 10% और मैक्सिमम 9,000 पर मंथ। ठीक है, ये जो बेसिक पे बार बार बता रहा हूं, बेसिक पे जो किसका होगा, यदि आप आपका पेरेंट डिपार्टमेंट का पे को प्रिफर कर रहे हो। ठीक है, और ये सीलिंग भी बढ़ सकता है, बेसिकली जब आपका DA 50% हो जाएगा, जब आपका पेरेंट डिपार्टमेंट का डीए
क्योंकि आप पेरेंट डिपार्टमेंट का पे को प्रिफर कर रहे हो, मीन्स पेरेंट डिपार्टमेंट का डीओ। यदि आप पेरेंट डिपार्टमेंट का पे को प्रिफर कर रहे हो, पेरेंट डिपार्टमेंट का डीए ही आपके लिए लागू होगा जो डियरनेस अलाउंस है। तो जब डियरनेस अलाउंस 50% हो जाएगा, ये जो लिमिट है वो 25% हाइक हो जाएगा। तो सेम स्टेशन में 5% ऑफ बेसिक पे, 5% ऑफ बेसिक पे ऑफ पेरेंट डिपार्टमेंट, मैक्सिमम 4,500 फॉर मंथ। और यदि स्टेशन चेंज हो रहा है, आपका जो डेपुटेशन स्टेशन है कि फॉरेन सर्विस स्टेशन है वो चेंज हो गया, तो यहां पर 10% ऑफ बेसिक पे ऑफ द पेरेंट डिपार्टमेंट, मैक्सिमम 9,000। और यदि आपका डीए जो है पेरेंट डिपार्टमेंट का डीए 50% हो जाएगा, तब ये जो अलाउंस है 25% हाइक हो जाएगा। और यहां पर याद रखिए, यदि आपका बेसिक पे प्लस डेपुटेशन अलाउंस इससे ज्यादा नहीं होगा, 2,25,000 से ज्यादा नहीं होगा, ये मैक्सिमम है, ठीक है, तो अलाउंस शैल नॉट एक्सीड द बेसिक पे इन द अपेक्स लेवल। तो यहां पर याद रखिए, बेसिक पे प्लस जो ड्यूटी अलाउंस डेपुटेशन, जो डेपुटेशन अलाउंस इससे डज नॉट एक्सीड 2,25,000। और इसमें और एक ऑप्शन है कि यदि एनपीए मिल रहा है, नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस मिल रहा है, ये डॉक्टर लोगों को मिल रहा है ना मेडिकल में, बेसिकली जो डॉक्टर्स है नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस उनको मिलता है एनपीए। तो इसमें आपको याद रखना है, बेसिक पे प्लस डेपुटेशन अलाउंस प्लस एनपीए नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस, ये इससे ज्यादा नहीं होगा, 2,37,500 से ज्यादा नहीं होगा। तो नॉर्मली आपको याद रखना है दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक पे नॉर्मली बेसिक पे प्लस डेपुटेशन अलाउंस, बेसिक पे प्लस डेपुटेशन अलाउंस 2,25,000 से ज्यादा नहीं होगा, और यदि नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस मिल रहा है तब वो 2,37,500 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, अपेक्स लेवल में। चलो नेक्स्ट वन, थोड़ा हम लीव सैलरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लीव सैलरी पेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर यहां पर क्या है, बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो यहां पर देखिए, जो डेपुटेशन है, डेपुटेशन फॉरेन सर्विस अलग है, डेपुटेशन क्या है, सेंट्रल टू सेंट्रल, सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, कि रिवर्स होगा, स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये है डेपुटेशन, ठीक है। तो इसी केस में, डेपुटेशन केस में अभी ये बंद कर दिया गया, ये जो दोनों कंट्रीब्यूशंस था, ये देखो, हैज बीन डिस्पेंस्ड विथ, माने जो लीव लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन और जो पेंशन कंट्रीब्यूशन को एलिमिनेट कर दिया गया, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसे जो ये है, ये सब डेपुटेशन है। क्योंकि फॉरेन सर्विस किसको कहा जाएगा, जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉर्पोरेट बॉडी, समझ में आ रहा है कि नहीं, वो सब फॉरेन सर्विस होगा। मगर डेपुटेशन किसको कहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस केस में ये इसको एलिमिनेट कर दिया गया, लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन पेंशन कंट्रीब्यूशन को एलिमिनेट कर दिया गया। तो इसमें रूल क्या हुआ, जब आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, कि सेंट्रल टू सेंट्रल वाइस वर्सा, इस केस में जो लीव सैलरी कौन पे करेगा, जिस डिपार्टमेंट से आप लीव ले रहे हो। तो बेसिकली आपको याद रखना है, सपोज यहां पर मैं लिख देता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, कि नेक्स्ट ऑप्शन आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब डेपुटेशन है। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका बोरोइंग डिपार्टमेंट है, जो आपका बोरोइंग डिपार्टमेंट, वही लीव सैंक्शन करेगा, बोरोइंग डिपार्टमेंट लीव सैंक्शन करेगा, बोरोइंग डिपार्टमेंट से आप लीव लेकर जाओगे, तो वो आपको लीव सैलरी देगा, वही आपको लीव सैलरी देगा। और यहां पर लेंडिंग डिपार्टमेंट को कोई लीव सैलरी पे, बोरोइंग डिपार्टमेंट लेंडिंग डिपार्टमेंट को कोई लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन पे नहीं करेगा। आप याद रखिए, इस केस में सपोज आप लीव ले रहे हो, लीव सैंक्शन कौन करेगा, बोरोइंग डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है। और कहां से आप लीव, कौन सा डिपार्टमेंट से आप लीव ले रहे हो, बोरोइंग डिपार्टमेंट से, तो वही लीव सैलरी देगा। मगर यहां पर बोरोइंग डिपार्टमेंट लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, ठीक है,
लेंडिंग डिपार्टमेंट को और पेरेंट डिपार्टमेंट को। और पेंशन कंट्रीब्यूशन का जो बात आएगा, पेंशन कंट्रीब्यूशन कौन करेगा? आपका पेरेंट डिपार्टमेंट करेगा। पेंशन कंट्रीब्यूशन कौन करेगा? पेरेंट डिपार्टमेंट करेगा। तो समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये तीन चीज दे दिया। तो इसमें मैं और एक बार बता देता हूं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट की, नेक्स्ट वन सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब डेपुटेशन है। इसमें क्या है, जो बोरोइंग बोरोइंग डिपार्टमेंट लीव सैंक्शन करेगा तो वही लीव सैलरी पे करेगा। जो डिपार्टमेंट एक्चुअली लीव सैंक्शन करेगा और जिस डिपार्टमेंट से आप लीव ले रहे हो वही लीव सैलरी देगा, वही लीव सैलरी देगा, ठीक है। और यहां पर बोरोइंग डिपार्टमेंट लीव सैलरी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा लेंडिंग डिपार्टमेंट को, ठीक है। और पेंशन का बात आएगा, पेंशन कंट्रीब्यूशन आपका पेरेंट डिपार्टमेंट जो है वही पेंशन कंट्रीब्यूट करेगा, पेरेंट डिपार्टमेंट जो है वो पेंशन कंट्रीब्यूट करेगा। समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दिया, इसलिए ये जो लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन पेंशन कंट्रीब्यूशन को खत्म कर दिया डेपुटेशन में, क्योंकि जिस बोरोइंग डिपार्टमेंट से आप लीव ले रहे हो वही लीव सैलरी देगा, और बोरोइंग डिपार्टमेंट कोई लीव सैलरी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा लेंडिंग पेरेंट डिपार्टमेंट को, लेंडिंग डिपार्टमेंट को। और यहां पर जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है आपका पेरेंट डिपार्टमेंट ही देगा, कंसर्न एम्प्लॉई का, कि आपका सीपीएफ है कंट्रीब्यूशन वो पेरेंट डिपार्टमेंट ही देगा। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आ गया यहां पर फॉरेन सर्विस आ गया, ये आ गया अभी फॉरेन सर्विस। फॉरेन सर्विस क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट टू पीएसयू, ये सब फॉरेन सर्विस है। सेंट्रल गवर्नमेंट टू पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की कोई पब्लिक बॉडी पार्शियली एंड होली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, ये सब है कि ऑटोनोमस बॉडी एबी, ये सब फॉरेन सर्विस है। सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑटोनोमस बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट टू पब्लिक बॉडी, ये सब है कि स्टेट गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट टू ऑटोनोमस बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। समझ में आ रहा है? तो ये सब फॉरेन सर्विस है, क्योंकि ये जो चाहे पीएसयू हो कि चाहे कोई कॉर्पोरेट बॉडी हो, तो पार्शियली एंड होली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, पार्शियली एंड होली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट हो सकता है कि एडेड बाय द गवर्नमेंट, ऐसा। तो ये सब फॉरेन सर्विस है। तो वही में दे दिया, इनकेस ऑफ डेपुटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑन फॉरेन सर्विस टर्म्स टू सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड ऑटोनोमस बॉडीज, ठीक है। इस केस में क्या होगा ना, इसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा एलएससी लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन और पेंशन कंट्रीब्यूशन, आइदर पे बाय द कंसर्न एम्प्लॉई और बाय द फॉरेन एम्प्लॉयर, इसमें आइदर और आपको याद रखना है। तो वो फॉरेन सर्विस का गाइडलाइंस में क्लियरली मेंशन होगा कि कौन पे करेगा। सो आइदर, यहां पर मैं लिख देता हूं, आइदर एम्प्लॉई पे करेगा और कौन पे करेगा, और बेसिकली बोरोइंग डिपार्टमेंट पे करेगा, फॉरेन एम्प्लॉयर, ये जो लिख दिया फॉरेन एम्प्लॉयर, आइदर और, ये आपको याद रखना है। ये फॉरेन सर्विस केस में ये जो लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन है, पेंशन कंट्रीब्यूशन है, आइदर पे बाय कंसर्न एम्प्लॉई और पे बाय द फॉरेन एम्प्लॉयर। समझ में आ गया कि नहीं, समझ में बताओ। तो और जो सीपीएफ में ये जो कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, सीपीएफ है वो अल्टरनेटिव पेंशन स्कीम है, तो आप याद रखिए जो सीपीएफ है, जो एम्प्लॉयर्स शेयर, जो एम्प्लॉयर का शेयर होता है, जो मैनेजमेंट शेयर, तो वही कंट्रीब्यूट आइदर बाय एम्प्लॉई और बाय द फॉरेन एम्प्लॉयर, ठीक है। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली फॉरेन सर्विस है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑटोनोमस बॉडी की, सेंट्रल गवर्नमेंट टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनी पब्लिक बॉडी सपोज पार्शियली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, तो ये सब है फॉरेन सर्विस। तो फॉरेन सर्विस में केस में क्या होगा ना, जो एलएसी होगा लीव सैलरी में, मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूं, लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन और पेंशन कंट्रीब्यूशन आइदर पे बाय द एम्प्लॉई और बाय द फॉरेन एम्प्लॉयर। और सबसे मजा बात है, इसको याद रखना है, जो सीपीएफ, जो मैनेजमेंट शेयर होता है, जो मैनेजमेंट एम्प्लॉयर शेयर होगा, जो एम्प्लॉयर का शेयर होगा, तो वो आइदर पे बाय एम्प्लॉई और बाय द फॉरेन एम्प्लॉयर। मगर उसमें जो फॉरेन सर्विस का जो कंडीशन में क्लियरली मेंशन होगा कौन पे करेगा, आइदर और यहां पर मेंशन होगा, ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ रिवर्स, रिवर्स डेपुटेशन, रिवर्स क्या है वहां, रिवर्स ये है जैसे ऑटोनोमस रिवर्स ये है, रिवर्स मीन्स ऑटोनोमस बॉडी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब है रिवर्स, रिवर्स फॉरेन सर्विस। नॉर्मल फॉरेन सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑटोनोमस बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट टू पीएसयू, मगर रिवर्स फॉरेन सर्विस ऑटोनोमस बॉडी टू सीजी, पीएसयू टू सीजी। तो यहां पर कैसे कंट्रीब्यूट होगा ना, म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट, रिवर्स में म्यूचुअल कंसेंट, तो म्यूचुअली कौन पे करेगा वो म्यूचुअली कंसेंट होगा। समझ में आ गया बेसिकली, जैसे इसको मैं क्लियरली मेंशन कर देता हूं और एक बार, जैसे ऑटोनोमस रिवर्स में ऑटोनोमस बॉडी टू सीजी कि पीएसयू टू सीजी, इस केस में म्यूचुअल कंसेंट होगा। ये कौन पे करेगा, एम्प्लॉय पे करेगा, कंसर्न एम्प्लॉय पे करेगा ना फॉरेन एम्प्लॉयर पे करेगा, तो म्यूचुअल कंसेंट। और ये भी मेंशन होगा फॉरेन सर्विस का जो गाइडलाइंस में कौन पे करेगा वो मेंशन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। और यहां पर द एम्प्लॉयर शेयर ऑफ सीपीएफ फॉर द पीरियड ऑफ डेपुटेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी बॉर्न आइदर बाय द एम्प्लॉय हिमसेल्फ और बाय, सेम थिंग, जो एम्प्लॉयर शेयर है सीपीएफ का, जो सीपीएफ का जो एम्प्लॉयर शेयर है, एम्प्लॉयर्स शेयर है, इसको भी वही आइदर पे बाय द एम्प्लॉय और बाय द फॉरेन एम्प्लॉयर, वो भी क्लियरली मेंशन होगा। बेसिकली फॉरेन सर्विस जो गाइडलाइंस है उसमें मेंशन होगा, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट यहां पर आ गया रिवर्स फॉरेन सर्विस में। चलो नेक्स्ट वन, न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस का बात आएगा, एनपीएस केस में बोरोइंग डिपार्टमेंट पे करेगा, बोरोइंग डिपार्टमेंट पे करेगा। इन केस ऑफ एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर न्यू पेंशन स्कीम, आपका कंट्रीब्यूशन तो जाएगा मगर जो मैनेजमेंट शेयर है बोरोइंग डिपार्टमेंट देगा, जो एमजीटी शेयर है, जो गवर्नमेंट शेयर है, मैनेजमेंट शेयर है, वो बोरोइंग डिपार्टमेंट देगा। ठीक है, आपका शेयर तो आपसे जाएगा मगर जो मैनेजमेंट शेयर है वो बोरोइंग डिपार्टमेंट देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, अच्छा अभी चलेंगे टेन्योर ऑफ डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस, क्या टेन्योर होगा। नॉर्मली बेसिकली ये जो है रिक्रूटमेंट रूल्स होता है एक्स कैडर पोस्ट का, एक्स कैडर पोस्ट क्या है, आपका जो कैडर है, ठीक है, आपका कैडर से जब कैडर अलग हो जाता है उसको एक्स कैडर बोलते हैं। सपोज आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, आप अभी रेलवे में जा रहे हो, वो एक्स कैडर हो गया। समझ में आ रही कि नहीं, तो वही है वो यहां पर दे दिया कि जो रिक्रूटमेंट रूल है, द पीरियड ऑफ डेपुटेशन ऑफ फॉरेन सर्विस शैल बी एज पर द प्रोविजंस ऑफ द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द एक्स कैडर पोस्ट और 5 years। इनकेस नो टेन्योर रेगुलेशन, यदि कोई टेन्योर रेगुलेशन नहीं है, कोई स्पेशली टेन्योर होता है रिक्रूटमेंट रूल्स में होता है, जैसे 3 years की, 2 years की, 4 years ऐसे होता है, नहीं होता है तो आपका जो टेन्योर होगा 5 years होगा। नॉर्मली पीरियड ऑफ डेपुटेशन पीरियड नॉर्मली 5 years होता है। यदि यदि जो टेन्योर रेगुलेशन को हम नहीं लेंगे तो बेसिकली नॉर्मली वो 5 years होता है। ठीक है, तो यहां पर दे दिया इन केस वेयर द पीरियड ऑफ डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस प्रिस्क्राइब्ड इन द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द एक्स कैडर पोस्ट इज 5 years और लेस देन 5 years। जो आपका रिक्रूटमेंट रूल में क्लियरली मेंशन है कि बेसिकली जो डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस का पीरियड 5 years होगा, और 5 years से कम 4 years, 3 years, जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स में हो सकता है, नहीं तो नॉर्मली 5 years होगा। सपोज यहां पर एक्सटेंशन होना चाहिए, सपोज 6th year को आपको एक्सटेंशन किया, नॉर्मली हम 5 years लेते हैं, नॉर्मली हम 5 years लेते हैं, तो अभी क्या होगा, सपोज नॉर्मली आप नॉर्मली 5 years, कोई 10-year regulations नहीं है तो डेपुटेशन पीरियड कितना होगा 5 years। यदि रिक्रूटमेंट, यदि यदि रिक्रूटमेंट रूल में मेंशन है कि जो डेपुटेशन और सर्विस जो फॉरेन सर्विस है वो 3 years है तो वो 10-year हो गया, मगर नॉर्मली 5 years होता है। सपोज उसको एक्सटेंड किया जाएगा 6th year को, द बोरोइंग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन मे ग्रांट एक्सटेंशन अप टू 6th year, तो उसमें सेक्रेटरी आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनका परमिशन चाहिए, और यदि स्टेट गवर्नमेंट का बात आता है चीफ सेक्रेटरी। तो आपका जो बोरोइंग डिपार्टमेंट है, यदि नॉर्मली हम 5 years लेते हैं डेपुटेशन पीरियड, ठीक है, यदि उसको 6th year को एक्सटेंशन किया जाएगा, तो यदि बोरोइंग डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसका सेक्रेटरी का सैंक्शन चाहिए, यदि बोरोइंग डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट है उसका चीफ सेक्रेटरी का सैंक्शन चाहिए, कोई इक्विवेलेंट ऑफिसर का सैंक्शन चाहिए। ठीक है, और
ये सिक्स्थ ईयर के लिए हो गया, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिल सकता है। सिक्स्थ ईयर जब एक्सटेंशन होगा, यदि आपका जो बोरोइंग डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेक्रेटरी उसको अलाउ करेगा, और यदि स्टेट गवर्नमेंट है, चीफ सेक्रेटरी और कोई इक्विवेलेंट ऑफिसर उसको सैंक्शन करेगा। और सेवेंथ ईयर के लिए, क्योंकि टू ईयर्स एक्सटेंशन हो सकता है, नॉर्मली फाइव ईयर्स, सेवन ईयर्स तक एक्सटेंशन होगा, बियॉन्ड ऑफ दैट नहीं होगा। नॉर्मली फाइव ईयर्स डेपुटेशन पीरियड होता है और सेवन ईयर्स तक एक्सटेंशन किया जाएगा। तो सिक्स्थ ईयर तो आपको पता चल गया, सेवेंथ ईयर यदि होगा, मिनिस्टर ऑफ द बोरोइंग मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, जो आपका बोरोइंग डिपार्टमेंट है, जो बोरोइंग डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्री है, उसका मिनिस्टर ही उसको अप्रूवल करेगा सेवेंथ ईयर के लिए। तो सिक्स्थ ईयर के लिए सेक्रेटरी, स्टेट गवर्नमेंट में चीफ सेक्रेटरी, और सेवेंथ ईयर में बोरोइंग डिपार्टमेंट का, बोरोइंग डिपार्टमेंट की जो बोरोइंग मिनिस्ट्री है, जो बोरोइंग डिपार्टमेंट का जो मिनिस्ट्री है, उसका मिनिस्टर इन चार्ज विद द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द बोरोइंग डिपार्टमेंट और बोरोइंग मिनिस्ट्री, एंड इन वही है आपको याद रखना है। तो एक्सटेंशन के लिए क्लियर हो गया, सिक्स्थ ईयर के लिए सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट और चीफ सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट, यदि बोरोइंग डिपार्टमेंट ऐसा है। और सेवेंथ ईयर के लिए बोरोइंग डिपार्टमेंट का जो मिनिस्ट्री है, बोरोइंग डिपार्टमेंट का जो मिनिस्ट्री है, उसका जो मिनिस्टर इन चार्ज है, उनका अप्रूवल चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। और यहां पर और एक मजावा दे दिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द बोरोइंग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस मे एक्सटेंड द पीरियड ऑफ डेपुटेशन अप टू सेवेंथ ईयर व्हेयर नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट। सपोज पब्लिक नॉर्मली फाइव ईयर्स डेपुटेशन पीरियड है, उसको अभी सेवन ईयर्स तक एक्सटेंड किया जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट में, तो उसको कौन करेगा ना, द बोरोइंग में अभी बताया, जो आपका डिपार्टमेंट का जो मिनिस्ट्री है, उसका मिनिस्टर इन चार्ज अप्रूव करेगा। ठीक है, जो बोरोइंग डिपार्टमेंट, उसका जो मिनिस्ट्री है, उसका मिनिस्टर इन चार्ज उसको अप्रूव करेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट में उसको और टू ईयर्स एक्सटेंड कर दिया जाए। तो उसमें रूल है, द एक्सटेंशन प्रायर अप्रूवल किसका चाहिए। तो इसमें सपोज सेवेंथ ईयर तक नॉर्मली फाइव ईयर्स है, उसको एक्सटेंड किया जाएगा सेवन ईयर्स तक, उसको एक्सटेंड किया जाएगा सेवन ईयर्स तक, और अप्रूवल दे दिया जो बोरोइंग डिपार्टमेंट का मिनिस्टर इन चार्ज है, ओके, मिनिस्टर इन चार्ज है, वो अप्रूव कर दिया। तो उसमें क्या होगा, प्रायर अप्रूवल, जो आपका लेंडिंग डिपार्टमेंट है, उसका प्रायर अप्रूवल लिया जाएगा, प्रायर अप्रूवल ऑफ द लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सर्न एम्प्लॉय का कंसेंट, और यदि नेसेसरी है यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट एससीसी, तो इनका भी कंसेंट लिया जाएगा, आपको याद रखना है। यदि पब्लिक इंटरेस्ट में बोरोइंग डिपार्टमेंट का मिनिस्टर इन चार्ज वो अप्रूव कर दिया कि हाँ उसको एक्सटेंशन दिया जाएगा सेवन ईयर्स तक, तो उस केस में किसका किसका प्रायर अप्रूवल चाहिए, जो लेंडिंग डिपार्टमेंट पेरेंट डिपार्टमेंट, जो कंसर्न एम्प्लॉय का पेरेंट डिपार्टमेंट है, उसी को हम लेंडिंग डिपार्टमेंट बोलेंगे, उसका अप्रूवल चाहिए, कंसर्न एम्प्लॉय का कंसेंट चाहिए, और नेसेसरी डिजायरेबल क्या है, यदि नेसेसरी है तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का कंसेंट चाहिए, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, सेंट्रल केस में सेंट्रल गवर्नमेंट केस में यूपीएससी, स्टेट गवर्नमेंट केस में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट एससीसी। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, यदि 5 इयर्स से 7 इयर्स तक एक्सटेंड होगा, किसका किसका अप्रूवल, मिनिस्टर बोरोइंग डिपार्टमेंट का, बोरोइंग डिपार्टमेंट का मिनिस्टर इन चार्ज तो अप्रूवल करेगा, तब जाकर 5 इयर्स टू 7 इयर तक जाएगा, पर उसके बाद किसका किसका अप्रूवल चाहिए, लेंडिंग डिपार्टमेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिए, कंसर्न एम्प्लॉय का कंसेंट लेना चाहिए, यदि डिजायरेबल है नेसेसरी है यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कंसेंट चाहिए, और जो एससीसी है अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट है, उसका भी कंसेंट चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, इफ द बोरोइंग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन विशेस टू रिटेन एन ऑफिसर बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब टेन्योर। हाँ, यदि आपका जो बोरोइंग मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंसर्न एम्प्लॉय को जो जो टेन्योर है उसका बियॉन्ड में रखना चाहता है, तो इसके लिए वो क्या करेगा कि उसका जो टेन्योर खत्म हो रहा है, उसका 6 मंथ्स बिफोर वो पेरेंट डिपार्टमेंट को, लेंडिंग डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा।
ये दे दिया, इट शैल इनिशिएट एक्शन फॉर सीकिंग कंकरेंस ऑफ लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो अभी मैं बताया किसका किसका अप्रूवल चाहिए, तो आपको याद रखना है यदि बोरोइंग डिपार्टमेंट डिसाइड किया, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, नॉर्मली डेपुटेशन पीरियड 5 ईयर्स होता है, अभी सपोज 7 ईयर्स तक एक्सटेंड किया जाएगा, तो इस केस में क्या करेगा वो ना, सिक्स इट शैल इनिशिएट एक्शन फॉर सीकिंग कंकरेंस ऑफ लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल कंसर्न 6 मंथ्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, 6 मंथ्स बिफोर द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, जो जिस डेट में फॉरेन सर्विस का टेन्योर एक्सपायरी होने वाला है उसका 6 मंथ्स बिफोर वो लेंडिंग डिपार्टमेंट का प्रायर अप्रूवल लेगा और कंसर्न एम्प्लॉय का कंसेंट लेगा, और नेसेसरी क्या है मैं बताया था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की अपॉइंटमेंट ऑफ कैबिनेट कमेटी, उनका भी कंसेंट चाहिए, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखें, जो 6 मंथ्स को मैं बताया ये टाइम ड्यूरेशन है, यदि बोरोइंग डिपार्टमेंट वो चाहता है कि हाँ इस एम्प्लॉय को हम एक्सटेंड देंगे बियॉन्ड ऑफ नॉर्मल टेन्योर, तो वो 6 मंथ्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ फॉरेन सर्विस वो द बोरोइंग डिपार्टमेंट टेक द अप्रूवल ऑफ द लेंडिंग डिपार्टमेंट, ऑल्सो टेक द कंसेंट ऑफ द कंसर्न एम्प्लॉय, अदरवाइज वो जो नॉर्मल टेन्योर है उसको एक्सटेंड नहीं कर सकता, और 7 ईयर्स के बाद नॉर्मली एक्सटेंड नहीं होगा, नॉर्मल 5 ईयर्स होता है उसको 7 ईयर्स तक एक्सटेंड किया जाएगा, तो बियॉन्ड 7 ईयर्स नॉर्मली एक्सटेंड नहीं होगा, नो फर्दर एक्सटेंशन। और मजा बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेपुटेशन अलोयंस मिलेगा वो ओनली 5 ईयर्स तक मिलेगा, वुड बी ओनली अप टू 5th ईयर, एक्सटेंशन पीरियड में नहीं मिलेगा, जो नॉर्मल टेन्योर होता है डेपुटेशन का 5 ईयर्स होता है, तो ओनली डेपुटेशन अलोयंस वही 5 ईयर्स के लिए मिलेगा अप टू 5th ईयर, एक्सटेंशन पीरियड के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी चलेंगे कूलिंग ऑफ पीरियड, कूलिंग ऑफ पीरियड में क्या है, सपोज एक बार आप चले गए फॉरेन सर्विस में, तो इमीडिएटली आफ्टर दैट एक कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा, तो उस पीरियड में आपको फिर और एक बार डेपुटेशन फॉरेन सर्विस में भेजा नहीं जाएगा, तो यहां पर दे दिया कि जॉइंट सेक्रेटरी अप टू जॉइंट सेक्रेटरी लेवल, ये दे दिया, देयर शैल बी मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, ये देखिए 3 ईयर्स को मैं राउंड किया, मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स आफ्टर द पीरियड ऑफ डेपुटेशन ऑफ फॉरेन सर्विस अप टू जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पोस्ट, जिनका पे लेवल क्या है अप टू लेवल 14, कैरिंग पे लेवल 14 ऑफ द पे मैट्रिक्स, डेपुटेशन पोस्ट कैरिंग पे इन लेवल 14 ऑफ द पे मैट्रिक्स, तो इनके लिए कूलिंग ऑफ पीरियड 3 ईयर्स रहेगा, आप डेपुटेशन में गए फॉरेन सर्विस में गए रिटर्न आ गए, तो बियॉन्ड दैट 3 ईयर्स एक कूलिंग पीरियड रहेगा, जिसमें आपको फिर आपका नेम को आगे में बढ़ाया नहीं जाएगा कि फिर और एक बार उसको डेपुटेशन में भेजा जाए, ठीक है, तो दो 3 ईयर्स कूलिंग पीरियड रहेगा बियॉन्ड द डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस 3 ईयर्स कूलिंग पीरियड रहेगा, तो यहां पर आपको याद रखना है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल अप टू लेवल 14 ऑफ द पे मैट्रिक्स 3 ईयर्स होगा कूलिंग ऑफ पीरियड, और यदि एडिशनल सेक्रेटरी आ गया कैरिंग पोस्ट क्या होगा लेवल 15 ऑफ द पे मैट्रिक्स, तो उनके लिए 1 ईयर होगा कूलिंग ऑफ पीरियड, एडिशनल सेक्रेटरी के लिए 1 ईयर होगा, जो पे लेवल 15 एंड बियॉन्ड दैट, लेवल 15 एंड बियॉन्ड दैट 1 ईयर होगा कूलिंग ऑफ पीरियड, और अप टू जो लेवल 14 है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक 3 ईयर्स रहेगा कूलिंग ऑफ पीरियड, और विद इन कूलिंग ऑफ पीरियड अगेन इट मीन्स द कंसेंट वुड नॉट बी गिवन टू सेंड टू डेपुटेशन पोस्ट और सेंड टू फॉरेन सर्विस पोस्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिए, और वही दे दिया द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स मे नॉट स्पॉन्सर नेम ऑफ एनी सच ऑफिसर हु इज नॉट लाइकली टू कंप्लीट द मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड, तो आपको मैंडेटरी जो कूलिंग ऑफ पीरियड है उसको कंप्लीट करना चाहिए, उसी से और एक बार आपका नेम को सुपरिश नहीं किया जाएगा डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस के लिए, और यहां पर आ गया ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई शैल बी एलिजिबल फॉर डेपुटेशन ऑफ फॉरेन सर्विस टू पोस्ट इन स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ यूटीज ऑर्गेनाइजेशन ऑटोनोमस बॉडीज ट्रस्ट सोसाइटीज पीएससीज एटसेट्रा नॉट कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली आफ्टर, हाँ आप मजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो 9 ईयर्स नॉर्मली आपको डेपुटेशन फॉरेन सर्विस में कब भेजा जाएगा, बेसिकली जब आपका 9 ईयर्स सर्विस कंप्लीट होगा, मिनिमम आपका 9 ईयर्स सर्विस कंप्लीट करने के बाद आपको डेपुटेशन में भेजा जाएगा, योर नेम इज अप्रूव्ड फॉर डेपुटेशन और फॉर फॉरेन सर्विस, सपोज आपका आप पीएससीयू को जाओगे फॉरेन सर्विस, सपोज डेपुटेशन क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट,
समझ में आ गया। मगर फॉरेन सर्विस क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट टू पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑटोनोमस बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट टू बॉडी कंट्रोल बाय पार्शियली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, ऐसा। तो इसमें आपका मिनिमम सर्विस 9 ईयर्स होना चाहिए। 9 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद योर नेम कैन बी अप्रूव्ड फॉर डेपुटेशन और फॉर फॉरेन सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। नेक्स्ट वन, हैवर विद द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर मजा बात है, यदि मिनिस्टर इन चार्ज अप्रूव किया, आपको नॉर्थ ईस्ट भेजा जाएगा, नॉर्थ ईस्ट रीजियन और एंड यूनियन टेरिटोरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप। यदि आपको फॉरेन सर्विस की डेपुटेशन में भेजा जाएगा इस एरिया को, नॉर्थ ईस्ट रीजियन, यूनियन टेरिटोरीज लाइक जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, तो इस केस में यदि मिनिस्टर इन चार्ज ने अप्रूव किया तो आपका 7 ईयर सर्विस कंप्लीट। नॉर्मली कैसा होता है, 9 ईयर्स नॉर्मली, आप 9 ईयर्स काम करने के बाद आपको आपका नाम डेपुटेशन के लिए कि फॉरेन सर्विस के लिए अप्रूव किया जाएगा। मगर यदि मिनिस्टर इन चार्ज आपको अप्रूव किया, आपको अप्रूव कर दिया कि आप नॉर्थ ईस्ट में सपोज डेपुटेशन फॉरेन सर्विस में जाओगे, कि सपोज यूनियन टेरिटोरीज लाइक जे एंड के, लद्दाख, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तो वहां पर आपका मिनिमम सर्विस कितना होना चाहिए, 7 ईयर्स। समझ में आ गया। और यदि स्पाउस ग्राउंड में आप जाओगे, यहां पर दे दिया, और एक मजा बात है यहां पर दे दिया, देखो स्पाउस ग्राउंड में मिनिस्टर इन चार्ज ने अप्रूव कर दिया स्पाउस ग्राउंड। देखो यदि आपका स्पाउस ग्राउंड में, सपोज आपका स्पाउस है नॉर्थ ईस्ट में, कि आपका यूनियन टेरिटोरीज लाइक जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तो ये जो है दे दिया। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मे बी अलाउड टू गो ऑन डेपुटेशन टू स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटोरीज और ऑन फॉरेन सर्विस टू एनी एंटिटी कंट्रोल्ड बाय एंड लोकेटेड इन द स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज ऑन स्पाउस ग्राउंड, 6 ईयर्स। स्पाउस ग्राउंड में 6 ईयर्स के बाद, तो नॉर्मली 9 ईयर्स के बाद आपका नाम डेपुटेशन फॉरेन सर्विस के लिए अप्रूव किया जाएगा। यदि आप नॉर्थ ईस्ट जाना चाहते हो कि यूनियन टेरिटोरीज लाइक जे एंड के, लद्दाख, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तो मिनिमम सर्विस कितना होना चाहिए, 7 ईयर्स। यदि स्पाउस ग्राउंड में जाओगे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, कि सपोज एनी एंटिटी सपोज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, पीएसयू की जो भी है, स्पाउस ग्राउंड में 6 ईयर सर्विस होना चाहिए कैडर में। तो नॉर्मली 9 ईयर्स, नॉर्थ ईस्ट जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मिनिमम सर्विस 7 ईयर्स होना चाहिए। और स्पाउस ग्राउंड में इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑटोनोमस बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट टू पीएसयू, कोई भी एंटिटी को आप जा सकते हो जो कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट की, पार्शियली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, स्पाउस ग्राउंड में वहां पर आपका स्पाउस है तो 6 ईयर्स ऑफ सर्विस मिनिमम होना चाहिए, तब आपको डेपुटेशन में भेजा जाएगा। अच्छे से डिस्कस किया, अभी कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, 10 MCQ क्वेश्चंस है, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट फॉल विद इन द परिधि ऑफ फॉरेन सर्विस। मैं बार बार बता चुका हूँ, फॉरेन सर्विस मीन्स जैसे हम बताते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट टू पीएसयू की, टू ऑटोनोमस बॉडीज, ओके, टू बॉडी पार्शियली फुली एंड पार्शियली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, तो ये सब है। तो यहां पर अभी देखेंगे फॉरेन सर्विस में, फॉरेन सर्विस का और एक डेफिनेशन है, जो आपका सैलरी मिल रहा है अदर देन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटोरीज, अदर सोर्सेस से मिलता है, मगर वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, ये छोड़ दीजिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटोरीज के अलावा अदर सोर्सेस जो मिल रहा है आपको सैलरी। तो यहां पर जो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट फॉल विद इन द परिधि ऑफ फॉरेन सर्विस। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट जॉइंस ऑन ONGC ऑन डेपुटेशन फॉर 2 ईयर्स, ये फॉरेन सर्विस होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉइंस ए पोस्ट इन यूनिवर्सल पोस्टल यूनिट स्विट्जरलैंड, ये भी फॉरेन सर्विस आउट ऑफ इंडिया, ये दोनों होगा फॉरेन सर्विस आउट ऑफ, तो आंसर इज बिट सी, ये दोनों होगा फॉरेन सर्विस, ओके, फॉरेन सर्विस में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ओवरस्टे, यदि डेपुटेशन पीरियड खत्म हो गया उसके बाद आपका ओवरस्टे हो गया, समझ में आ रहे, तो क्या होगा, इन द इवेंट ऑफ द ऑफिसर ओवरस्टे ऑन डेपुटेशन, डेपुटेशन पीरियड आपका एक्सपायरी हो गया और उसके बाद आप पर नहीं आ रहे हो, पेरेंट डिपार्टमेंट को ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तो वो ओवरस्टे हो गया, तो ही और सी इज लाइबल टू डिसिप्लिनरी एक्शन,
डेफिनेटली डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। द पीरियड ऑफ अनऑथराइज ओवर स्टे नॉट बींग काउंटेड फॉर सर्विस फॉर द पर्पोज ऑफ पेंशन, ये भी होगा। जो ओवर स्टे हो गया वो अनऑथराइज हो गया तो उसको पेंशन के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। एनी इंक्रीमेंट ड्यू ड्यूरिंग द पीरियड, एनी इंक्रीमेंट ड्यू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अनऑथराइज ओवर स्टे बींग डिफर्ड विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट टिल द डेट ऑन विच द ऑफिसर रिजाइन्स हिज पेरेंट कैडर, तो ये भी ठीक है। तो तीनों करेक्ट होगा। तो जब आपका डेपुटेशन पीरियड ओवर स्टे हो जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन में भी इनिशिएटेड, आपका जो ओवर स्टे पीरियड है उसको अनऑथराइज्ड पीरियड में काउंट किया जाएगा और उसको पेंशन में काउंट नहीं किया जाएगा। और उसी पीरियड में आपका इंक्रीमेंट आता है तो उसको डिफर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री, Whose approval is required when the central government employee after completion of 7 years of service in his or her cadre may be allowed to go on deputation to any state of northeastern region and union territories of Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar and Lakshadweep? Secretary of the department, head of the department, minister of charge of the department, special order of president. तो आपको normally मैं बोला था, यदि आप northeastern region जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबर एंड लक्षद्वीप, इसमें आप डेपुटेशन की फॉरेन सर्विस में जाना चाहते हो तो जो आपका डिपार्टमेंट का मिनिस्टर इन चार्ज का अप्रूवल चाहिए और वहां पर आप कितना सर्विस, मिनिमम 7 ईयर सर्विस होना चाहिए। तो आपका डिपार्टमेंट, आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो मिनिस्टर ऑफ चार्ज है उनका अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कूलिंग पीरियड के ऊपर आया, दरअसल भी मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ डैश फॉर डेपुटेशन पोस्ट कैरिंग पे इन लेवल 15 में, लेवल 15 जो बोला था एडिशनल सेक्रेटरी बेसिकली लेवल 15 एंड अबोव उनके लिए 1 ईयर कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, और अप टू जो लेवल 14 है, अप टू लेवल 14 3 ईयर्स रहेगा कूलिंग पीरियड। ये जो कूलिंग पीरियड रहेगा वो कितना रहेगा, 3 ईयर्स, ये जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक, जो लेवल 14 जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक, अप टू लेवल 14 3 ईयर्स रहेगा कूलिंग पीरियड। तो आपका डेपुटेशन खत्म हो गया तो जिस डेट में खत्म होगा 3 ईयर्स तक आपको नहीं मिलेगा, आपका नाम अगेन रिकमेंड नहीं किया जाएगा डेपुटेशन फॉरेन सर्विस के लिए, वही है कूलिंग पीरियड। और जो आपका पे लेवल आ जाएगा 15 एंड बियॉन्ड दैट, ओके, ये जो आ गया पे लेवल 15 एंड बियॉन्ड दैट, बेसिकली जो पे लेवल 15 आ जाते हैं एडिशनल सेक्रेटरी रैंक, तो उसमें कूलिंग ऑफ पीरियड 1 ईयर रहेगा, आंसर 1 ईयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द बोरोइंग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन विशेष टू रिटेन एन ऑफिसर इन डेपुटेशन बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड टेन्योर, इट शैल इनिशिएट एक्शन फॉर सीकिंग कंकरेंस ऑफ लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल कंसर्न एटसेट्रा डैश बिफोर द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ टेन्योर। मैं बताया था जैसे नॉर्मल टेन्योर होता है, नॉर्मल टेन्योर के बियॉन्ड सपोज आप रखना चाहते हो, रिटेन करना चाहते हो वो कंसर्न ऑफिसर को, तो उसमें क्या होगा ना, सिक्स मंथ्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द फॉरेन सर्विस बोरोइंग डिपार्टमेंट मींस अप्रूवल लेगा, पेरेंट डिपार्टमेंट का अप्रूवल लेगा, लेंडिंग डिपार्टमेंट का अप्रूवल लेगा और जो कंसर्न एम्प्लॉई है उसका कंसेंट लेगा, 6 मंथ्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ फॉरेन सर्विस, ओके, की डेपुटेशन 6 मंथ्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ फॉरेन सर्विस और डेपुटेशन द बोरोइंग डिपार्टमेंट टेक द अप्रूवल ऑफ द पेरेंट डिपार्टमेंट और लेंडिंग डिपार्टमेंट और ऑल्सो टेक द कंसेंट ऑफ द कंसर्न एम्प्लॉई, ठीक है। इसको भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे, व्हिच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, द बोरोइंग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस मे एक्सटेंड द पीरियड ऑफ डेपुटेशन अप टू 7th ईयर व्हेन आर नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट। किसका किसका प्रायर अप्रूवल, मैं बोला था अप्रूवल ऑफ द लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, अप्रूवल ऑफ द कंसेंट ऑफ द ऑफिशियल कंसर्न, नेसेसरी है तो यूपीएससी, पीएससी एंड अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, ये सभी होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो सबका अप्रूवल लिया जाएगा,
सपोज मिनिमम 5 ईयर्स होता है और उसको 7 ईयर तक एक्सटेंड किया जाएगा, तो वहां पर एक प्रायर अप्रूवल लिया जाएगा। प्रायर अप्रूवल 6 मंथ्स बिफोर, प्रायर अप्रूवल जो लिया जाएगा 6 मंथ्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ डेपुटेशन पीरियड और फॉरेन सर्विस पीरियड। किसका किसका अप्रूवल? लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल, कंसेंट ऑफ द कंसर्न एम्प्लॉई, नेसेसरी डिजायरेबल है तो यूपीएससी और पब्लिक सर्विस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड ये जो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, एसीसी, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इन केस ऑफ चेंज ऑफ स्टेशन आ गया, चेंज ऑफ स्टेशन करेक्ट हम देखेंगे। डेपुटेशन अलोयंस तो बहुत कॉमन है, चेंज ऑफ स्टेशन डेपुटेशन अलोयंस बेसिकली चेंज ऑफ स्टेशन में रहेगा 10% ऑफ बेसिक पे, बेसिक पे पैरेंट कैडर, पैरेंट डिपार्टमेंट का बेसिक पे 10% ऑफ बेसिक पे, और मैक्सिमम कितना रहेगा 9000, और 9000 मैक्सिमम, ये जो होगा आंसर वही होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, 10% ऑफ बेसिक पे ऑफ द पैरेंट डिपार्टमेंट और 9000 मैक्सिमम, क्योंकि डेपुटेशन अलोयंस आपको मिलता है तो आप पैरेंट डिपार्टमेंट का पे को चूज करोगे, जो डेपुटेशन सर्विस है उसका पे को चूज नहीं करोगे, आप पैरेंट डिपार्टमेंट का पे को चूज करोगे। तो पैरेंट डिपार्टमेंट, आप जब फॉरेन सर्विस की डेपुटेशन के लिए आप प्रोसीड किए उस समय जो आपका बेसिक पे था उसके ऊपर 10% और मैक्सिमम 9000। और चेंज ऑफ स्टेशन, सेम स्टेशन में क्या होगा 5% ऑफ सेम स्टेशन में और मैक्सिमम 4500 मैक्सिमम, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, बेसिक पे फ्रॉम टाइम टू टाइम प्लस डेपुटेशन अलोयंस, बेसिक पे प्लस डेपुटेशन अलोयंस, डेपुटेशन अलोयंस ये इससे ज्यादा नहीं होगा, 2,25,000 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम अपेक्स पे लेवल से ज्यादा नहीं होगा। आप याद रखिए, बेसिक पे प्लस डेपुटेशन अलोयंस डज नॉट एक्सीड अपेक्स पे लेवल 2,25,000, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। और यदि आप इसमें और एक चीज बता देता हूं, मैं बताया था बेसिक पे प्लस डेपुटेशन अलोयंस प्लस नॉन प्रैक्टाइजिंग अलोयंस जो मेडिकल डॉक्टर्स को मिलता है, तो ये डज नॉट एक्सीड अपेक्स लेवल का जो पे लेवल है 2,37,500, इसको भी बोला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट हम देखेंगे, इनके सब डेपुटेशन ऑफ फॉरेन सर्विस, मेडिकल फैसिलिटीज विल बी रेगुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ द लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नो, जो मेडिकल फैसिलिटी, आप याद रखिए, आप अभी डेपुटेशन में चले गए कि फॉरेन सर्विस में चले गए, बोरोइंग डिपार्टमेंट का जो भी मेडिकल फैसिलिटीज है उसी को आप अवेल करोगे, बोरोइंग डिपार्टमेंट का मेडिकल फैसिलिटीज को आप अवेल करोगे। और यहां पर लेंडिंग दे दिया, लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये रॉन्ग है, तो फर्स्ट ये रॉन्ग है। नेक्स्ट वन, द एम्प्लॉई शैल बी एंटाइटल्ड टू डियरनेस अलोयंस, जो डीए का बात जब आएगा आपको बता देता हूं। सपोज आप पैरेंट डिपार्टमेंट का पे को चूज किया है तो उसका डीए लेना है, यदि आप फॉरेन डिपार्टमेंट का पे को चूज किया है तो फॉरेन डिपार्टमेंट का जो डीए है उसको आप चूज करोगे। ठीक है, द एम्प्लॉई शैल बी एंटाइटल्ड टू डियरनेस अलोयंस एट द रेट्स प्रिवेलिंग इन द बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन इफ ही हैज ऑप्टेड टू ड्रॉप पे ऑफ द एक्स कैडर पोस्ट। ठीक है, क्योंकि आप एक्स कैडर पोस्ट मीन्स आप फॉरेन डिपार्टमेंट का, जो बोरोइंग डिपार्टमेंट का पे को आप चूज किया, तो आप फॉरेन डिपार्टमेंट का पे को चूज किया तो उसका डियरनेस अलोयंस आपके लिए लगेगा, तो ये करेक्ट है। इनके सब एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर न्यू, अच्छा न्यू पेंशन स्कीम में बताया था, न्यू पेंशन स्कीम में जो गवर्नमेंट शेयर है, जो मैनेजमेंट शेयर है, तो मैनेजमेंट शेयर कौन देगा? एनपीएस में मैनेजमेंट शेयर बोरोइंग डिपार्टमेंट देगा, फॉरेन डिपार्टमेंट देगा, बोरोइंग डिपार्टमेंट बीडी, तो वही दे दिया। इनके सब एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर एनपीएस, द बोरोइंग डिपार्टमेंट साल मेक रिक्विजाइट कंट्रीब्यूशन टू द एनपीएस अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय, ये ठीक है। तो यहां पर जो इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ओनली वन, ऑप्शन सी ओनली वन इनकरेक्ट है। थर्ड पार्ट में मैं ये सब डिस्कस करूंगा अलोयंस के ऊपर। आज का लास्ट क्वेश्चन,
दरअसल में मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ डैश आफ्टर एवरी पीरियड ऑफ डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस अप टू जॉइंट सेक्रेटरी, अप टू जॉइंट मैं बोला था जॉइंट सेक्रेटरी लेवल अप टू पे लेवल 14, अप टू पे लेवल 14, जो 14 होता है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल, तो उनके लिए जो कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा 3 ईयर्स रहेगा, और जो पे लेवल 15 आएगा और बियॉन्ड दैट कूलिंग ऑफ पीरियड 1 ईयर रहेगा। कूलिंग ऑफ पीरियड क्या है, जो डेपुटेशन के बाद वो एक सर्टन पीरियड है जिसमें आपका नाम और एक बार रिकमेंड नहीं किया जाएगा डेपुटेशन एंड फॉरेन सर्विस के लिए। तो ये 10 क्वेश्चन था, अच्छे से मैं डिस्कस किया। आप वेट कीजिए थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में पे फिक्सेशन, बेसिकली डेपुटेशन फॉरेन सर्विस में कैसे पे फिक्सेशन होता है और उसमें डिफरेंट अलाउंसेस है, चाहे डियरनेस अलाउंस, चाहे सपोज आपका एनपीएस, चाहे लीव रूल्स, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज, इसके ऊपर पूरा डिस्कस करूंगा थर्ड पार्ट में, और वो मेरा लास्ट पार्ट होगा। सो आज इतना ही है, थैंक यू और नमस्ते।